अर्चनी वन्नी सन समाज धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, आज कबीर आश्रम में सदगुरु कबीर की जयंती मनाने जा रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब, सदगुरु कबीर के विचारों से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु कबीर एक ऐसे महान संत, योद्धा या प्रशासक, कुछ भी कहे, किसी में कम नहीं थे। सदगुरु कबीर जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं और सभी पहल चमकदार होते हैं, वैसे ही सदगुरु कबीर के हर पहल चमकदार थे। हर पहल चमकदार थे, लेकिन हम सब उनके अनुयायी हैं, लेकिन हमारा एक भी पहल चमकदार नहीं दिख रहा है। हम कबीर पंथी है, इसका पहचान क्या है? क्या हम कबीर पंथी है? और कबीर पंथी है तो सदगुरु कबीर के अनुयायी हो करके सदगुरु कबीर के विचारों के हिसाब से जीवन को बदल रहे हैं कि बस पूजा पाठ सत्संग में जीवन बीत रहा है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे कबीर पंथी हैं? चाहे कबीर पंथी ही क्यों हो, चाहे जिसी भी पंथ के हो, चाहे राधा स्वामी वाले हो, गायत्री वाले हो, किसी भी मत और पंथ को मानने वाले हो, आप उसकी पहचान छाप क्या रखते हैं? आप आपके घर में सभी लोग सदाचारी हैं, आप देखेंगे लौट करके घर में तो भंगार भरा हुआ है। आप अपने हम अपने को कबीर पंथी कहते हैं, साधु कहते हैं, क्या उसकी छाप है हमारे जीवन में? कुछ चमक है? सदगुरु कबीर के तो 56 पहल चमकदार थे कि हमारे जीवन में चमक है, कुछ नए प्रकाश, कुछ नए तैयारी, कुछ है। वही राग द्वेष, वही तेरे मेरे के झगड़ा में जीवन बीत जाता है। कबीर पंथी परिवार है, लेकिन परिवार में कोई ना कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे कबीर पंथी है हम? कौन सा छाप रखे हैं कबीर पंथी का हम? बस नाम से कबीर पंथी नहीं हो सकता है। बस कबीर कबीर जपने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। हम कबीर कबीर जपते रह जाएं, आज बिजनेस चल रहा है भारत देश में, कबीर का नाम जपो मुक्ति मिल जाएगी, कबीर के पूजा करो मुक्ति मिल जाए, धार्मिक बाजार है, बाजार लगाए हैं सब। कबीर ने, सदगुरु कबीर का मूल बीजक है, और पुजारी लोग क्या करते हैं, मूल बीजक को किनारे रख देते हैं, अनुराग सागर को आगे कर देते हैं। क्यों करते हैं बताऊं? क्योंकि मूल बीजक में उसकी पुडापा, उसकी पूजापा और पंडिताई नहीं चलेगी, तो करते क्या हैं, उसको किनारे कर देते हैं और अनुराग सागर को आगे कर देते हैं। चल रहा है बिजनेस है ना, ये कबीर का बिजनेस है। आप क्या मानते हैं, आप कबीरपंथी है? एक जगह हमारे संत लोग गए थे, एक आदमी आया, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन सत्य बात है, कहने में कबीर के बातों को कहने में कबीर पर जितना बोलना आसान है, उतना ही कहीं कई गुना ज़्यादा उसके हिसाब से जीना कठिन है। एक आदमी, एक लड़का आया, लगभग 30 साल का युवक, 60 फुट पेंट पहन करके आया, और आया धोती बंगाली लगाया, चौंका में बैठा। मैं चौंका का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किससे चौंका करा रहे हैं? चौंका कराने से आपका फायदा क्या है, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। वो लड़का आया और इतना रंगा हुआ मुँह था, गुटखा तंबाकू खा करके आया, कुल्ला किया और बैठा और अपना कथा शुरू किया। 2-4 घंटा पढ़ा, उनका फिक्स रहता है, इतना डिमांड रहता है, आपको इतना देना है, अपना पैसा लिया। जैसे ही वहाँ से उतरता है अपने मत गद्दी से, फिर अपने मुँह में वही रंगीला चीज भरा और थूकते हुए फिर निकला। इतना में हमारे संत सेतीरा साहब कहे, तुम समाज के गुरु हो और समाज को अच्छे चीज़ सिखाते हो, क्या यही सिखाते हो? जिनके जीवन में रंच मात्र भी सुधार नहीं है, वो क्या कबीर के अनुयायी हो सकते हैं? आप कह रहे होंगे साहब चौंका का खंडन कर रहे हैं। मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, ये बिजनी से बाजार कब तक चलेगा, जहाँ सिर्फ व्यापार के अलावा कुछ भी नहीं है?
एक आदमी आ रहा है, पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है, मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, तब भी गद्दी में बैठ करके पूजा रहा है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, पूज्य प्रिय शील गुणहीना, पूज्य है, प्रिय है, लेकिन शील गुणहीन से भ्रष्ट लोग है। क्या ऐसे लोग कबीर के अनुयायी हो सकते हैं? यदि आपके घर में भी यदि मानवता नहीं है, आपके घर में भी यदि प्रेम नहीं है, आपके घर में यदि सफाई और शुद्धता नहीं है, आपके घर में बीड़ी गुटखा शराब सब कुछ चल रहा है, आप कबीर पंथी नहीं हो सकते हैं। क्षमा चाहेंगे इस बात के लिए। सिर्फ आप लेबल लगा सकते हैं, और लेबल से जीवन नहीं कटता है, लेबल से धार्मिकता नहीं होती है, लेबल सिर्फ बाहरी धार्मिकता का पोशाक है, जीवन में आचरण नहीं हो पाता है। इसलिए यदि आप सबीर सही कबीरपंथी बनते हैं तो जीवन को बदलिए, जीवन को परिवर्तन करिए, आप कुछ नए प्रकाश डालिए जीवन में, एक नए लहर पैदा करिए जीवन में। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सनानंदा। सद्गुरु कबीर इतने बड़े संत होने के बाद क्या कहते हैं, मैं तुम्हें भाई पिता पितामह के समान समझने के लिए तैयार हूँ, इतना ही नहीं मैं तुम्हारे चरणों के दास बनने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा संत, अब फिर क्या कहते हैं, चरणन हुई हो बंदा, तुम्हारे दास बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त रख देते हैं सद्गुरु कबीर साहब, क्या शर्त है, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। ये पुरिया क्या है जानते हैं, ये वासना की पुरिया है, काम की पुरिया, कोत की पुरिया, लोभ की पुरिया, आपस में एक दूसरे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, देरान जेठान भाई भाई, जीवन को खो देते हैं, जीवन को तबाह कर देते हैं। हम क्या मिलता है जीवन में, कुछ नहीं मिलता है। सच्चे कबीर पंथी बनिए आप। और सद्गुरु कबीर का एक विचार ऐसे विचार है, सद्गुरु अभिलाष साहेब ने छत्तीसगढ़ में जन जन में इतना जन और प्रचार किया, एक नए लहर एक क्रांति पैदा कर दिया कि सद्गुरु कबीर के अनुयायी वास्तव में अच्छे होते हैं। लेकिन आज दुख और दर्द भरे गीत है कि हर घर में रंगीला घर बन गया है, हर घर के बच्चे में नशा आ गया है। कमजोरी किसकी है, आप सबकी कमजोरी है, आप अपने बच्चे को चीज नहीं सिखाते हैं, सत्संग का महत्व नहीं समझते हैं, सिर्फ पैसा। आदमी आज पैसा के लिए इतना अंधे दौड़ में लगा हुआ है, पैसा पैसा, अध्यात्म की परिभाषा ही भूल गया आदमी, जीवन की परिभाषा ही भूल गया आदमी। सद्गुरु कबीर के अनुयायी बस रह गए, जीवन में परिवर्तन नहीं आया। इसलिए सद्गुरु कबीर को समझे। सद्गुरु कबीर जब बात कहते हैं तो चरणों में झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब क्रांतिकारी बात कहते हैं तो जैसे आग का लोहाठा लेकर के कोई आदमी जलाए और कान में ततेड़ दे, ऐसी बात करते हैं वो। जब ब्राह्मणों को पुकारते हैं तब कहते हैं, पहिरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी को पहराए, क्या पहराया वो जन्म के सुदृढ़ पर से, ए पांडे तुम क्यों खाया। जिस समय सद्गुरु कबीर साहब हुए उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उस वर्चस्व में कहते हैं, यदि तुम जनेऊ पहन करके अपने को ब्राह्मण साबित करते हो तो पहिरे जनेऊ हो करके ब्राह्मण हो गए। मैं तुमको पूछता हूँ, तुम अपनी पत्नी को मेहरी को क्या पहना है, जनेऊ पहनाए हो, नहीं पहनाए हो, तो वो तो जन्म की सुदृढ़ हो गई, उनके हाथों से तुम खाते हो, पारस करने हो खाते हो, तुम भी शूद्र हो गए। इतनी डंकी के चोट पर, और आज भगवान के नाम पर होड़ मचा हुआ है, यहाँ भगवान वहाँ भगवान, कबीर पंथी है लेकिन कबीर पर विश्वास नहीं है। कबीर पर छोड़ दीजिए विश्वास हो ना हो, अपने बाहों बल पर विश्वास नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास है, अंगूठी पर विश्वास है, एक अंगूठी पर विश्वास है, लाल चुनरी पर विश्वास है, एक नारियल और नार चुनरी पर विश्वास है, हवन तर्पण पर विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है। इतना हम नीचे चले गए हैं, इतना हम गिर चुके हैं, अपने ही कर्मों पर विश्वास नहीं हमको, हम कैसे कबीरपंथी हैं हम। मैं आप सबसे एक प्रश्न कर रहा हूं, मैं आप विचार करिए, हम कैसे कबीरपंथी हैं। अपने बाहों बल पर भरोसा रखिए। आदमी को मर्सनरी पर विश्वास नहीं होता है, 10-10 लाख की गाड़ी लेता है, 20-20 लाख की गाड़ी लेता है, 50-50 लाख रुपये का मकान बनाता है, लेकिन उस कर्म इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं, एक नारियल और लाल चुनरी पर भरोसा होता है। धिक्कार है ऐसे कर्मों को, लानत है ऐसे कर्मों को। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठोर। सद्गुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ऐ लोगों, ए साधक, जब करुणा विघलित होते हैं तब प्रेम से कहते हैं, मैं तुम्हारे ओर देख रहा हूं,
मैं तुम्हारे ओर देख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। तुम कहीं और ध्यान लगा करके बैठे हो, तुम वासनाओं में ध्यान लगाए हो, संपत्ति में, जड़ चीजों में ध्यान लगा करके बैठे हो। मैं चित्तवत हूं तो ही को, तू चित्तवत कछु और। लेकिन क्या कहते हैं, लानत है ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर, धिक्कार है ऐसे चित्त पर। सदगुरु कबीर साहब हम सबको धिक्कारते हैं, धिक्कार है ऐसे चित्त पर एक मन में तुम इतना कबाड़ भर करके रखे हो, एक चित्त में दो चीज समाये हो, एक तरफ राम भी चाहते हो, एक तरफ संसार की वासना भी चाहते हो, नहीं मिल सकता है। लानत है ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। आप क्या कबीर पंथी है? इतना निचोड़ के बाद आप महसूस करिए, क्या हम कबीर पंथी है? इसलिए हम सब कबीर पंथी है तो ओरिजिनल कबीर पंथी बने, कबीर के अनुयायी बने। एक सद्गुरु कबीर ऐसा है जहां कर्म कांड और पाखंड से हटा करके आपको अपने आप से मुलाकात कराते हैं। इतना स्वच्छंद विचार मैं समझता हूं, इतना साफ साफ विचार और कहीं नहीं मिल सकता है सद्गुरु कबीर जैसे। बहुत से लोग हैं जो दुनिया के चक्कर में भटकाते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर इतना विनम्रता होकर के आपके सामने आपको बाप कहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अंतिम में सद्गुरु कबीर साहब का एक पंक्ति है, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। बस जीवन का निचोड़ इतना ही है। जिस समय सद्गुरु कबीर साहब हुए उस समय गंगा की प्रसिद्धि रही और आज भी गंगा की प्रसिद्धि है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको मन निर्मल भया, कैसे निर्मल हो गया? गंगा पानी की तरह निर्मल हो गया। जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। फिर किसी पीछे, हरी के पीछे आपको नहीं दौड़ना है, किसी परमात्मा के पीछे नहीं दौड़ना है, किसी भगवान के पीछे नहीं दौड़ना है, किसी अल्लाह खुदा गाड के लिए नहीं दौड़ना है। आपके पीछे हरी चलेगा। हरी क्या है? हरी ज्ञान है। आपको फिर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप दौड़ रहे हो, जीवन भर चक्कर काट रहे हो और चक्कर काटते काटते जीवन बीत जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर है ये नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए सद्गुरु कबीर के विचारों को आप जिए और सच्चे कबीर पंथी बने, और आप अपने घर के माहौल को स्टैंडर्ड बनाइए। आपका मकान कितना स्टैंडर्ड है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका घर कितना स्टैंडर्ड है ये महत्वपूर्ण है। आप मकान लाखों और करोड़ों का बनाते हैं और घर सही नहीं बना पाए, घर का मतलब होता है आपका शिष्टाचार, आपका सिस्टम, आपका व्यवहार, आपका खान पान का तरीका अगर बदतर है तो आप सही जीवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते जीवन बर्बाद हो जाएगा और न ही कबीर को समझ पाएंगे, न ही किसी गुरु को समझ पाएंगे, न ही अपने जीवन को समझ पाएंगे, जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए आज हम सद्गुरु कबीर पर जो विचार सुने, यहाँ से संकल्प लेकर के जाए, मुझे अपना स्टेटस सुधारना है, मुझे अपने परिवार का स्टेटस सुधारना है, मुझे घर के माहौल को बदल देना है। कहीं लगता है मेरे चुप रहने से परिवार का स्टेटस सुधर सकता है, शांति का जीवन यापन करिए, यही सद्गुरु कबीर का संदेश है। मैंने कुछ देर तक आप सबके बीच कहने का प्रयास किया, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हेलो, कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म हमारा अच्छा है तो घर ही में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, और यदि दोनों बिगाड़ चुके तो गले में यम की फांसी है, गले में यम की फांसी है। बहुत ही सारगर्भित विचार हमारे आदरणीय संत जी के द्वारा श्रवण किए, और अभी तक तो मीठी मीठी बात श्रवण सुनने को मिल रही थी, लेकिन मैं कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ। और वो बात ये है, शायद मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को भी बुरा लगेगी मेरी बात, लेकिन स्वीकार करेंगे, जरूरी है। बैठने की ढंग सही नहीं है, यही मैं कहने जा रहा हूँ। तो हमारे साधु समाज में जो वयोवृद्ध हैं, ज़मीन में बैठने को जिसको दिक्कत है, उसके लिए कुर्सियाँ हैं, दो तीन कुर्सियाँ आप लोग बैठ सकते हैं, और जो ज़मीन में बैठे हैं वो आगे बढ़ करके बैठेंगे। बच्चियाँ थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। मैं पहले से क्षमा चाहते हुए, जो साध्वी ज़मीन में बैठने में दिक्कत है कुर्सी में बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, सब कोई आ जाओ, पांच छह लोग तो हैं, कुर्सी में बैठ जाइए।
और सभी माताएं खड़े हो जाए, हमारे परम पूज्य श्री साहेब जी आ रहे हैं, सब कोई खड़े हो जाए, भक्त सज्जन भी खड़े हो जाए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। थोड़ा से खड़े रहें एक मिनट, क्योंकि घुटना में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे में भी हो गया है। और थोड़ा आगे बढ़ करके बैठे, माता लोग यहाँ तक आ जाए माता लोग, जल्दी से जल्दी आ जाए। और हमारे भक्त सज्जन भी आगे आ जा करके बैठें, क्योंकि बहुत लोग अभी और आएंगे और जगह बहुत है अभी, आप लोग व्यवस्थित बैठेंगे तो आ जाइए बहन जी, आगे आ जाइए और आगे आइए और आगे आ जाओ, इतनी जगह बेकार रहेगी फिर, ऐसे आ जाओ जल्दी से जल्दी। पीछे माता लोग, पीछे के माताएं आगे बढ़ते जाइए। मैं बहुत आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बंदगी करता हूँ, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए और व्यवस्थित बैठ जाइए बहुत जल्दी। भाई लोगों से भी निवेदन है, इतनी जगह काफ़ी है, बेकार पड़ी है, जल्दी से जल्दी आ करके बैठ जाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जयकारा में किसी का मन नहीं है, है ना? हमारे साहेब जी ने कितना बढ़िया आप लोगों के लिए भोजन व्यवस्था किए हैं, सबका मन लग जाएगा खाने के लिए और जयकारा लगाने के लिए, थोड़ा उत्साह दिखाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, और जोर से सदगुरु कबीर साहेब की। मेरे को तो पसंद नहीं आ रहा है, अब पसंद आप लोग मेरे को मन भरना चाहते हैं तो ताली बजा के देखो, ताली बजाओ सबके, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हमारे बीच हमारे आदरणीय संत श्री रामलाल साहेब जी, कबीर आश्रम भैंस मंडी मगल रोड ब्लॉक से पधारे हुए हैं। आप श्री से निवेदन है, आप विचार रखेंगे कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए मैं आशा से निवेदन करता हूं और 10 मिनट अपने विचार देकर हम सबको लाभान्वित करें, ताकि समय के अनुसार सभी संतों का हम विचार श्रवण कर सकें। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, श्रोता समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित 97 सी धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताएं एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, साहेब जी की आज्ञा अनुसार कबीर जयंती पर कुछ देर सदगुरु कबीर के वाणियों के आधार पर विचार रखने का प्रयास करता हूँ। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले मीच परी है ख्याल। कबीर साहेब की एक एक वाणी, एक एक पंक्ति, एक एक अर्धाली, एक एक सूत्र है जीवन के, जैसे गणित में सूत्र होते हैं, सूत्रों के आधार पर ही गणित हल होता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी एक गणित है और उसके लिए सूत्र चाहिए। जीवन गणित को बनाने के लिए एक सूत्र चाहिए, वो सूत्र कबीर साहब की वाणियों में भरे पड़े हैं, शुरू से लेकर अंत तक सूत्र ही सूत्र है। थोड़े शब्दों में बड़ी गहरी गहरी बातें कबीर साहब के करने की विधा है, ढंग है। छोटी छोटी साखियाँ हैं उनकी और बड़े बड़े रोगों की औषध है, परम औषध रामबाण इलाज। हमारा जीवन उलझा हुआ है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्यों उलझा हुआ है, हम समझते हैं किसी दूसरे की वजह से उलझा हुआ है, पत्नी की वजह से उलझा है, पति की वजह से उलझा है, माँ बाप की वजह से हमारा जीवन उलझा है, सास ससुर की वजह से उलझा है, बच्चों की वजह से, पड़ोसियों की वजह से, एक एक दोष
या किसी शैतान की वजह से उलझा है, या भगवान ही नहीं चाहता कि हम सुखी रहें। तरह तरह के संदेह भ्रम हमारे दिमाग पर छाए हुए हैं। इस विज्ञान युग में भी हम बहुत पीछे पुराणपंथी बने हुए हैं, कबीरपंथी नहीं बन पा रहे हैं, पुराणपंथी। वहीं ढोंग ढकोसला, वहीं ब्राह आडंबर, वहीं चमत्कार, वहीं पाखंड आज भी मौजूद है नए नए रूप में। टीवी में भी उन्हीं सबको बताया जाता है, ये गुल्ली ताबीज पहनो, ये खा पी लो तो ठीक हो जाओगे। चमक दमक तो ऐसा है कि हर आदमी चमक दमक का दीवाना बना हुआ है। टीवी में, अखबारों में या गली गली दुकानों में जो जो नए नए सामान आते हैं हाथ पैर मुख में लगाने के लिए, लोग खरीदते चले जाते हैं, जहाँ भेजा खरीदते चले जा रहे हैं। कोई विचार नहीं कि इसको लगाने से हमारे हमें फायदा होगा कि हानि होगी, लाभ होगा हानि होगी, कोई विचार नहीं। बस जिए जा रहे हैं बगैर हानि लाभ की परवाह किए। जब आप अपने जीवन का आकलन नहीं करेंगे, तौलेंगे नहीं अपने जीवन को, अपने जीवन की ओर झांकेंगे नहीं, आपको सत्य की मोती कैसे मिलेगा, आपको सद्ज्ञान का हीरा कैसे मिलेगा। साहब कहते हैं, कबीर जो दिन आज है, जो दिन आज है, आज आज कितनी बड़ी बात है। आज हम जी रहे हैं लेकिन आज में नहीं जी रहे हैं, वर्तमान में हम कहाँ जी रहे हैं। भविष्य के लिए नए नए ताने बाने बुनते चले जा रहे हैं, भविष्य में ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है, प्लान बनाना, योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसको जपते रहना, उसको जपते रहना तो बहुत बड़ी हानि कर देना है। नई नई कल्पनाएं मन हमारा गढ़ता रहता है और उसी में उलझता चला जाता है। अब भविष्य से बचे तो भूत, भूत में जो बातें बीती हुई है उनको हमारा मन उखाड़ता रहता है, गड़े मुर्दों को। वर्तमान, वर्तमान में कोई हमारी हाजिरी नहीं है, अब्सेंट हैं हम वर्तमान में। वर्तमान में जैसे जीना भूल गए हैं। साहब कहते हैं, आज कबीर जो दिन आज है, सो दिन ना ही काल, वह दिन तुम्हें कल नहीं मिलेगा। एक एक दिन आपके लिए अवसर के रूप में आता है, अनमोल के रूप में आता है, और उस एक एक दिन को आप कैसे जीते हैं वो आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में है, आपका कल्याण, आपकी शांति, आपका सुख, सब कुछ आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। दूसरे के हाथ में तो उनके कर्म, उनके गुण स्वभाव हैं। भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए, बैसाखी मत पकड़िए। सारे बैसाखी आपको कमज़ोर बनाते हैं। कबीर साहब ने आपको आपके पैरों में खड़ा किया है। उनकी प्रथम वाणी ही देखिए बीजक की, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंतर ज्योति, हर व्यक्ति व्यक्ति के अंदर में एक ज्योति है, और वो ज्योति क्या है, जीव रूप एक अंतरवासा। दूसरे नवेली में साहब खुलासा कर देते हैं, वो जीव रूप में है और अंतर में वासा, उसका स्थान है, अंतर में रह रहा है वो। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा, उसी की वजह से तुम्हारे अंतर ज्योति प्रकाशित है। उन्हीं से हम ज्ञान कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वही परम तत्व है। बाहर बैसाखी मत पकड़िए। अगर बाहर किसी का पकड़ना है तो संतों का ज्ञान पकड़िए, संतों का वैराग पकड़िए, संतों की भक्ति पकड़िए, संतों का त्याग तप पकड़िए, यही रास्ता है। और सारे रास्ते तो उलझाने वाले हैं, निरंतर उलझाने वाले हैं। साहब कहते हैं, कबीर जो दिन आज है, सो दिन ना ही काल, चेत सके तो चेत ले। अगली पंक्ति में साहब सावधान करते हैं, अगर सचेत होकर के नहीं जीते हो, सावधानी पूर्वक नहीं जीते हो, जागरूक नहीं रहते हो,
तो मीच परी है ख्याल, मीच परी है ख्याल, ख्याल करो, देखो, नैन उघार करके आंखें खोल करके देखो कि सामने तुम्हारे मौत खड़ी है, तुम्हारा काल खड़ा है, और तुम इतना गाफिल हो, इतना असावधान हो कि आंखें खोल के देख नहीं रहे हो। काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ, आज काल के कहत ही अवसर जासी चाल, तू कल कल करूँगा, परसों करूँगा, क्या कहता है वो, तो काल के हाथ है, मृत्यु के हाथ है, कल का कुछ पता नहीं है और भविष्य बीत चुका है। वर्तमान को हम ठीक कर लें तो भविष्य ठीक हो जाएगा। भविष्य के ताने बाने मत बुनिए कि भविष्य में ठीक रहूँगा। जिसका वर्तमान ठीक नहीं है भविष्य में कैसे ठीक रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं काल काल के हाथ, आज काल के कहत ही अवसर जासी चाल, आज करूँगा कल करूँगा, ऐसे कहते कहते तुम्हारे जो अवसर है, सुनहला अवसर जो हमें गिफ्ट के रूप में मिला है, प्राइज के रूप में, इतना सुंदर अवसर जिसको हम देखते सुनते ध्यान चिंतन करते हुए सोचते समझते अपने जीवन को सुंदर सुखद बना सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम मंगलमय बना सकते हैं, उसको हम यूं ही जाने दे रहे हैं। तो आज का जो अवसर है सत्संग का, उसको न चूकें। आज ही सब कुछ है, कल कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आज ही के रूप में रहेगा। एक छोटी सी बात है कि एक दुकानदार था और वो अपने दुकान पर एक चिपका रखा था लिख करके, उसमें लिखा था आज नगद कल उधारी। तो कल फिर कोई आए कि कल हम उधारी लेंगे, तो फिर वही पढ़े आज नगद कल उधारी। कल कहाँ आता है, आज नगद कल उधारी, कल कभी नहीं आता। इसीलिए आज नगद है, आज ही फैसला करो, आज ही छुटकारा करो, आज ही बरी हो जाओ, सबसे छूट जाओ, सबसे अपने को छुड़ा कर रखो। आज बंधे हो तो कल भी बंधे रहोगे। आज जरूरत है वर्तमान की। तो कबीर साहब की एक साखी पर मैंने कुछ देर विचार रखने का प्रयास किया। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले, मिच परी है ख्याल। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब। आज आदमी अपना सब सामान सेट रखना चाहता है, टीवी सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, सोफा सेट, किचन सेट, बाथरूम सेट, सब सेट है। आप सेट है तो केवल माइंड आप सेट है, और माइंड आप सेट होने के कारण न खाने में ठिकाना, न पीने में ठिकाना, न बोलने में ठिकाना, न बैठने में ठिकाना, सब आप सेट हो जाता है। कितना सुंदर विचार हमारे साहेब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आइए विचार के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कबीर आश्रम भैंस मंडी से पधारे हुए हमारे आदरणीय संत श्री लखन साहेब जी से मैं निवेदन करता हूँ, आप भी अपने विचारों को कम से कम समय में देकर हम सबको लाभान्वित करें, ताकि और संतों के भी विचार से हम लाभ ले सकें। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, इस सभा में उपस्थित निर्छीर विवेकी भक्त सज्जनों एवं मेरे माताओं, आप लोग काफ़ी समय से सद्गुरु कबीर साहब के विचार सुन रहे हैं। जो संत बता रहे हैं उसको आप सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, शायद हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अज्ञान ही नहीं, हर विषय भी आप सब जानते हैं, क्योंकि आप जानने वाला है, आप मूल हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सब जानने वाला होने के नाते कबीर साहेब के सब अनुयायी हैं, और कबीर साहेब का ज्ञान किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी मत पंथ का नहीं है, वो मनुष्य मात्र के लिए है। जो जन्म लिया सबको ज्ञान की आवश्यकता है, सबको भोजन पानी की आवश्यकता है,
और सबको सुख और मुक्ति की आवश्यकता है। बस हम चूक जाते हैं यहां पर कि मैं जो चाहता हूं वो हो। आखिर बाधा कहां है जीवन जीने में? हमें कहीं जाना है, सबको धक्का देते हुए निकलते हैं क्योंकि अपना काम बनाना है हमें, दूसरों का कोई परवाह नहीं। कबीर साहब ऐसे आदमी को अपना नवाई नहीं मानते हैं। वो जो तुम चाहते हो वो दूसरों को दो, छोटे बन के रहो, विनम्र बन के रहो। हम सब परिवार में जीते हैं, लड़ाई झगड़ जंगल में नहीं होता है, परिवार में होता है जहां हम लोग रहते हैं। आखिर वहां विवाद क्यों, तनाव क्यों? क्योंकि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। हम अपने को आगे रखना चाहते हैं, स्वार्थ, बस स्वार्थ। आप लोग से निवेदन है, एक सही समझ के इंसान बन जाइए। बस आप सही समझ, अपना समझ को सही रख लो, सही बना लो। बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा सत्संग, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म, बहुत ज़्यादा दान पुण्य, ये सब अपने जगह में हैं। लेकिन हम जहाँ हैं वही हैं। जीवन बीत रहा है, आगे जा रहा है, बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, बचपना निकल गया, लेकिन हम जहाँ के तहाँ खाली खाली, सुना सुना, कुछ पाए नहीं। लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं। कबीर के विचारों से वंचित हैं, धर्म से वंचित हैं। जिसके पास धर्म की पूंजी है, समझ की पूंजी है, उसके जीवन में कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई भय नहीं। हम आए थे इतना बढ़िया, लेकिन बीच में हम अपने जीवन को बिगाड़ डाले। आपको अपने जीवन के लिए सही समझ, सही जीवन जीना है तो संतों के विचारों से जुड़िए आप। हम जीवन भर अपने घर में जीते हैं, लेकिन संतों के विचारों से, भक्ति भजन से वंचित रहते हैं, इसलिए जीवन में कुछ सुना सुना महसूस होता है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन में सन्मार्ग पर चलें, अच्छी राह पर चलें, दूसरों को अच्छी राह पर चलने की प्रेरणा दें। यही हम सब की सफलता होगी। हम स्वयं चाहते हैं वो दूसरों को दें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में सब कुछ, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। यही कबीर साहब का विचार है, यही कबीर का रास्ता है। सब प्रकार के घर परिवार में खान पान, रहन सहन, आचार विचार आपका यदि उत्तम है तो आप पहली नंबर के इंसान हैं दुनिया की। चाहे आप कबीर के विचार को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन आप अपने विचारों को अच्छा रखते हैं, अच्छा समझ से जीते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि आप ही एक पहला व्यक्ति हैं, धर्म के अनुयायी हैं, और आपके जीवन में सुख शांति धन समृद्धि सब कुछ मिलेगी, बस अर्थे आपको थोड़ा से संभल के चलना है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा जानने सुनने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजन हमेशा रास्ता बता रहे हैं, हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। यदि हम अपने को होशियार, अपने को हीरो समझते हैं तो आगे तो परिणाम आएगा ही। हम सबसे छोटे हैं, संत जन विराजमान हैं। अधिक न कहते हुए यहीं पर मैं वाणी विराम देता हूँ। आप लोग आश्रम में हमेशा अपना आश्रम समझिए, आश्रम आपका है। यदि यहाँ से आप जुड़ते हैं तो आपको ज्ञान की आध्यात्मिक पूंजी मिलती रहेगी। यहीं पर अपना मैं वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जिंदगी की दुर्दशा कहीं नहीं जाती है मेरे बंधुओं। जब मौत आती है तो मरघट की याद आती है, मरघट की याद आती है। कितना बढ़िया विचार हमारे साहिब जी के श्रवण कर रहे थे चंद्र मिनट में। आइए अगले विचारक के रूप में हमारे बीच आदरणीय संत श्री शिव साहिब जी हैं। आपसे भी मैं यही निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लगभग 8 मिनट लाभान्वित करने की कृपा करें, क्योंकि 1 बजने में 8 मिनट बाकी है और आप स्टेशन तक पहुँचा दें 1 बजे तक, ताकि और संतों को हम श्रवण कर सकें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।
बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। समुझ देख मन मीत पियरवा, आशिक हो कर सोना क्यारे। समुझ देख मन मीत पियरवा, आशिक हो कर सोना क्यारे। जब अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्यारे। जब अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्यारे। पाया हो तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्यारे। कहीं कबीर प्रेम का मारग, सिर देना तो रोना क्यारे। कहीं कबीर प्रेम का मारग, सिर देना तो रोना क्यारे। आज से 625 साल पहले जो समाज में अंधकार था, कुरीतियाँ थी, विभिन्न संप्रदाय परंपराएं, जाति, जिनसे हमारा चित्त आच्छादित था, सद्गुरु कबीर ने उस अंधेरे को फाड़ करके सूरज को प्रकट किया है उन्होंने। और वही व्यक्ति काबिले तारीफ होता है जो अंधकार से भी सूरज पैदा कर ले। हम लोग सूरज से भी प्रकाश नहीं ले पाते, अंधकार से कैसे सूरज पैदा करेंगे। घनघोर अंधेरे में भी, जब समाज में घनघोर अंधेरा होता है धर्म के नाम पर, तो फिर कबीर जैसा व्यक्तित्व, तो बुद्ध जैसा व्यक्तित्व, तो महावीर जैसा व्यक्तित्व तो होता है। इनके आगे कोई गुरु नहीं है, नानक के आगे, बुद्ध के सामने आगे, कबीर के आगे। वो तो ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं, बस देखते हैं समाज को और कैच कर लेते हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं। अरे कबीर को तो बचपन में ना मौलवी लोग एडमिशन लेते थे, ना पंडित लोग लेते थे एडमिशन करने के लिए, और बहिष्कृत कर देते थे, क्योंकि उनसे, उनके विचारों से मैच नहीं होता था उनका विचार। लेकिन फिर भी उनका हृदय तो जीत ही लेते थे आराम से, क्योंकि प्रेम ऐसी एक भाषा है जो प्रायः हर व्यक्ति, पशु भी समझता है इस चीज़ को। इसलिए धर्मशास्त्रों के नाम पर जो युद्ध हुए हैं, परंपराओं के नाम पर जो धर्म युद्ध हुए हैं चिरकाल से और हर देशों में, उनको प्रेम से ही आदमी खत्म कर सकता है। और कहें कबीर प्रेम का हमारा सिर देना तो रोना क्या रहे। तो इसलिए सतगुरु कबीर का जो देन रहा है, आज शिक्षाओं में प्रैक्टिकल रूप में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन इतने देखने से भी काम नहीं चल पा रहा, लोग हैरान हैं और परेशान हैं। तालीम का शोर इतना, तहजीब का शोर इतना, तालीम का शोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत जो नहीं होती नियत की खराबी है। बरकत जो, मतलब तालीम, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इतने प्रवक्ताएं हैं, इतने संत हैं, कहीं ना कहीं इतना उद्यम होते हुए भी अंदर से आदमी रीता हुआ है कि नहीं है। तो इसलिए कभी कभी पोथी, परंपराएं, धारणाएं, मान्यताओं को एक तरफ रख दिया जाए तो आत्मा का जो सत्य है, जो प्रेम है, वो ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। घूंघट का पट खोल ले तुझे पीयू मिलेंगे, घूंघट इसी को कहा गया। कबीर साहब ने ऐसे पंडितों को, पंडित शब्द का उच्चारण करके पूरे बीजक में कहीं सैकड़ों बार कहा होगा, तो वहाँ पर जो पंडित शब्द वो उच्चारण करते हैं, पंडित देखो हृदय हृदय विचारी को, पुरुषा को, नारी से सीधा सीधा शरीर के पार
सत्य को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं वो, इसलिए वो सही ढंग से सच्चाई को प्रकट कर देते हैं, अभिव्यक्ति कर देते हैं अपना, ताकि आम से आम व्यक्ति के जीवन में भी वो चीज़ें आ जाएं। नौदा भक्ति में एक गुण बताया गया है समदर्शी, सब में मेरे जैसा राम को आप देखो, भी कैसे आप कर सकोगे ऐसा। सब में नौ माह जिनके एकव होई नारी पुरुष सचराचर सोई, वो उस व्यक्ति का भी भवसागर से कल्याण हो जाएगा जो व्यक्ति नौ में से एक भी गुण हो, एक भी गुण, नौ गुण बताएंगे। और कबीर साहब तो मानुष तेरा गुण बड़ा मास ना आवे काज, बहुत से बताए हैं। और वो जो ब्राह्मण लोग जो पहले थे ना, ये नहीं कि वो धूर्त ब्राह्मण जो जिसको कबीर साहब कह रहे हैं, दो परिभाषा है ब्राह्मण की, एक तो सत्य असत्य विवेकनी सपंडिता जो सदाचरण से है, दया क्षमा करुणा प्रेम, उसको ब्राह्मण कहा गया असली ब्राह्मण। अब एक ब्राह्मण समाज का जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, जो समाज को गुमराह करता है, जो समाज को धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, अर्थ के नाम पर या आत्मा परमात्मा के नाम पर जो भ्रमित करता है, उनको भी उन्होंने पंडित कहा है, लेकिन वो धूर्त पंडितों की श्रेणी में आते हैं, वो असली पंडित नहीं है। और यह हर जाति में हर परंपरा में एक श्रेणी होता है 5% 10% जो समाज को गुमराह करके रख देता है। अगले ऐसे गुमराह करने वाले 600 साल पहले नहीं थे, 2500 साल पहले भी थे। भगवान बुद्ध के संग में भी एक से एक घटनाएं होती थी, कबीर साहब के समय भी में भी एक से एक घटनाएं होती थी, और उसके पहले भी रहा है। तो इस अंधेरे से भी उन्होंने सत्य को निकाला, प्रेम को निकाला, जिसे कहते हैं बंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट धरुआत, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। सत्यता और प्रेम सभी परंपराओं का सार है, चाहे वो चौकारती वाले हो, पारखी वाले हो, खरसिया वाले हो, राधा स्वामी वाले हो, गायत्री वाले हो, ये सभी परंपराओं का पंथ का सार है, निचोड़ है, अंत में यही बचता है, आपको यही लेके जाना है, समझ लीजिए वही कल्याण करेगा। ऐसा नहीं कि मैं इस पंथ का हूँ तो मैं कुछ खास हो गया, विशेष हो गया, VIP हुआ, पंथ का कोई नहीं, तो छिलका है, ये तो आवरण हुआ, गूदा होना चाहिए, भले चाहे आवरण हो चाहे ना हो इसका। कबीर साहब वैसे ही थे, वो तो कबीरपंथी नहीं थे, बुद्ध तो कबीर बौद्धिक नहीं थे, महावीर तो कभी जैनी नहीं थे, तो वो कैसे पहुंच जाते हैं। जब समाज में ज़्यादा अंधकार होता है तो भगवान बुद्ध भी राजकुमार होते हुए, संत होते हुए अपने ही राजमहल के सामने भिक्षा मांगता है कि नहीं मिलता, क्योंकि उस समय करुणा और दया खत्म हो गया था। कैसे होगा, जब जागा हुआ व्यक्ति जाता है वो भोजन मांगने नहीं जा रहा है, वो उसके अंदर करुणा और प्रेम का संचरण करने के लिए जाता है। कबीर भी वैसे ही करते हैं, वहाँ कहाँ 2 रुपया वाला किलो, रमन सिंह का गैस सिलेंडर लेके कबीर साहब घूम रहे थे गांव-गांव गली-गली, नहीं वो भी लेकर के जो हम मिल जाता जो वो खाते थे। इसको जीसस ने ईसा मसीह ने इसको जीवन की रोटी कहा है, उन्होंने जीवन की रोटी कहा है उन्हें, और जीवन की रोटी के सब जगह है, लेकिन आज हम जीवन की रोटी नहीं खाते हैं, हम हलवा पूड़ी खाकर भी कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, ये कितने खेत की बात है। इतने बुद्धिजीवी, इतना युग आ गया वैज्ञानिक युग, अब तो विश्व युद्ध भी होने वाला है तब भी कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अगले युग में करेंगे क्या, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, तो फिर कलयुग आएगा फिर। तो हम लोग श्रद्धांजलि भी दें, उनसे प्रेम करें, घर में प्रेम का संचरण, सत्य का संचरण होना चाहिए, यही सदगुरु कबीर का संदेश है, यही सबका भी यही संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, बोलिए सदगुरु देव की जय। जय। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, लाभ चाहता है, शांति चाहता है, दुख अशांति और हानि किसी को पसंद नहीं है। शायर कहता है, 1 घंटा के लिए सुख चाहिए तो झपकी ले लीजिए, 1 दिन के लिए सुख चाहिए तो पिकनिक मनाने चले जाइए, मेरे बंधुओं 1 महीना के लिए सुख चाहिए तो आज ही शादी कर लीजिए, अगर 1 साल के लिए सुख चाहिए तो टाटा बिल्डर बनने में लग जाइए, और अगर आजीवन सुख चाहिए तो साधना और समाधि का दामन थाम लीजिए, साधना और समाधि का दामन थाम लीजिए। कितना बढ़िया विचार चंद मिनट में हमारे पूर्व प्रवक्ता साहेब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आइए, मेरे बीच विराजमान है आदरणीय संत श्री शमिंद्र साहेब जी, कबीर आश्रम नवापारक से
आप पधारे हुए हैं, आप श्री श्री त्रैवार साहिब बंदगी है, अपने विचारों के माध्यम से और कुछ समय हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की परम श्रद्धे, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। मैं आप लोगों को कुछ थोड़े से एक मिनट सूचना देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस हाल में जितने हमारे भक्त, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे संत लोग इतने दूर दराज से आए हुए हैं, इनकी कड़कड़ाती हुई धूप में ये किसके लिए आए हैं? हम और आपके लिए आए हैं। ये लोग अपने आश्रम में बैठे होते या रहते या जिंदगी भर आश्रम के घेरा से भी ना निकले तब भी भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन कि आप लोग जितने लोग बैठे बीच में आपसी चर्चा ना करें। ये बहुत ही संवेदनशील सत्संग चल रहा है। सदगुरु कबीर के विचारों को हमारे संतजन एक एक इनके हृदय से उद्गार निकल रहा है, उन बातों पर हम सब ध्यान दें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की परम श्रद्धे। श्री साहेब जी मानव समाज के प्रबल प्रेरणा स्रोत, वंदनीय संत समाज, सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे हैं आत्मी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब जी का जन्म भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थली काशीपुरी में उस समय हुआ जिस समय दिल्ली के तख्त पर मोहब्बत तुगलक विराजमान थे और उसी समय इस्लाम धर्म अनुयायी तैमूर लंग, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, तैमूर लंग जो एक पैर से लंगड़ा था, तो इस्लाम धर्म अनुयायी 1398 में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। तो उसी समय इस्लाम धर्म अनुयायी तैमूर लंग इस भारत में आक्रमण करता है और जो लोग दिल्ली गए होंगे, दिल्ली के चांदनी चौक पर हजारों हजारों हिंदुओं को खड़ा करके एक साथ क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या कर देते हैं और उसकी इस कहर से मानवता चीख उठी थी। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर कोई धर्म ना दूजा। सचमुच में ये छोटी सी साखी में जीवन की संपूर्ण बातें हैं। जीव दया, जैसे आप अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में अपने लिए चाहते हैं वही आप दूसरों के साथ करना शुरू करिए, बस यही सच्चा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, चोटी बढ़ाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, सादा नीला पीला आप भेष बनाते हैं, ये धर्म के बाहरी रूप है। सबसे बड़ी बात धर्म की पहचान है आपके अंदर दया हो, क्षमा हो, दूसरे के प्रति अच्छी सोच हो और जो आप सोचते हैं वही आपके जीवन में घटना घटती है। जैसी आपकी सोच होती है, जैसी भावनाएं होती है, जब से आपके अंदर भावनाओं की लहर उड़ती है, भावनाओं के ज्वार भाटे आते हैं, वही आप होते हैं। इसलिए हम सब कबीर के अनुयायी हैं और सच्चे अनुयायी बने। कहीं आप भूत से प्रेत से छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, बेचारे कुछ भी नहीं जानते, उनको आप ताबीज पहना दिए, अंगूठी पहने, इस अंगूठी पहनने से ये होगा वो होगा, और लोग पहने तो चलेगा, लेकिन जो कबीर के अनुयायी हैं वो कभी भी कहीं भी भ्रम में, अंधविश्वास में, रूढ़ियों में यदि आप भटके हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप दिखावाबाजी कर रहे हैं और इस दिखावाबाजी से हमें बचना है। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें इतने सुंदर माता पिता मिले। सबसे पहली धन्यवाद अदा करिए अपने माँ और बाप को जिन्होंने आपको ऐसे संतों और गुरुजनों से रूबरू कराए, भेंट कराए, इसी के माध्यम से आप आज ऐसे विरक्त और पारखी संतों से हमारी मुलाकात हुई। हम देखते कहीं जा रहे हैं,
बिल्ली रास्ता काट दी, आदमी के माथे पे पसीना, अरे बिल्ली को इधर से उधर जानी थी, चली गई, बिल्ली रास्ता नहीं काटेगी तो क्या केक काटेगी क्या? नहीं, उसका कोई बर्थडे तो नहीं कि केक काटेगी, आप ताली बजाओगे हैप्पी बर्थडे टू यू। कभी भी आप मत डरिए, बिल्ली रास्ता काटे, कुत्ता काटे, शेर काटे, बैला काटे, बेफिक्र होकर, निष्फिक्र होकर। किसी ने कहा है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। जिस दिन आपकी मृत्यु आएगी आप जरूर मरेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती, और लेकिन आपको जब बचना है, कोई भी नहीं आएगा तब भी आप जीवित तो हो जाएंगे। इसलिए कबीर के सच्चे अनुयायी बनिए, किसी भी प्रकार के ढोंग ढकोसला, भूत प्रेत, फूकने वाले, झाड़ने वाले, भविष्यवक्ता, आजकल सब फैशन चला है, कुंडली बनाते हैं, जब शादी होती तो दोनों को मिलाते हैं, जब मिल गया तो फिर क्या पूछना, कभी पति पत्नी तो झगड़ा होते ही नहीं, नहीं? ऐसे बातों से आप बिल्कुल दूर रहें और निष्फिक्र होकर हमेशा अपने जीवन में सुख दुख जैसी भी परिस्थितियाँ आए, उन परिस्थितियों में हंसते गुनगुनाते हुए मस्त होकर जीवन को जिए। कभी भी आप दुखी मत होइए, दुखी होना आपकी जिंदगी की हार है। इसलिए हर परिस्थितियों में जैसी भी परिस्थितियाँ हो, बस गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, आपका मन गार्डन गार्डन हो, प्रसन्न रहिए, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत धन है, बहुत दौलत है, अच्छी खासी बिल्डिंग है, घर में मार्बल ग्रेनाइट सब बिछा है, सूर्य के सारे साधन हैं, घर में विदेशी कार खड़ी है, लेकिन मन उदास है, निराश है, परेशान है, सास बहू से नहीं जम रहा है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर उनाज, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये प्रेम की गंगा बहाइए, एक दूसरे से हंसिए, मुस्कुराइए, सास और बहू में मस्त से जमिए, जमाइए बाप बेटे में, 36 का आंकड़ा ना हो, यहीं से तो हमारे घर में स्वर्ग का अवतरण होता है, तभी हमारा घर और परिवार प्यार का मंदिर कहलाता है। आप यदि व्यवहार क्षेत्र में टूटे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को देख कर आप मुंह मुड़केट रहे हैं, कभी भी आप धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म में आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। यही जीवन की नींव है, यहीं से शुरुआत होती है। घर और परिवार में आप बिगड़े हुए, खींचे हुए, तनाव है, अवसाद है, मन में टेंशन है, तनाव है, तो फिर आप अध्यात्म क्षेत्र में कभी उन्नति नहीं कर। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट, मेरी अपील कि आप सब जो जिंदगी के क्षण जो शेष बचे हुए हैं, बहुत जीवन हम लोग जी चुके हैं, लोग जो बची हुई जिंदगी है उसको सजाए संवारें, और जो आप घिसी पिटी जिंदगी आप जी रहे हैं, जो आपकी जिंदगी की गाड़ी गलत दिशा की ओर, गलत पटरी की ओर दौड़ रही है, उस दिशा को और जीवन की दशा को बदलिए। और ये आपका जीवन दुखी रहने के लिए नहीं मिला है, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए जिंदगी की सफर को, जिंदगी की यात्रा को आप आगे बढ़ाएं। तो मैं सतगुरु कबीर की ऐसा आज पावन जयंती पर आप सब संकल्प करें कि हम किसी के साथ बैर विरोध नहीं करेंगे, सबसे हंसते मुस्कुराते हुए मिलजुल कर अपनी जिंदगी को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्ते को, अपने पति को, घर के सारे मेंबर को, सदस्य को हंसते मुस्कुराते हुए निभाइए और निभिए, यही जीवन जीने में तभी मजा आता है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बाप अपने जीवन में जितना पाप कमाता है, छल करके, कपट करके, मिलावटबाजी करके धन कमाता है, वो अपने लिए नहीं कमाता है, बच्चे के लिए, मकान दुकान के लिए और पत्नी के लिए गहना और कपड़ा के लिए पाप कमाता है। धन के बंटवारा तो पत्नी और बच्चे ले लेंगे, परंतु पाप के बंटवारा कोई लेने वाला नहीं है। जो पाप कमाएगा बाप, वो कई जन्मों तक भोगता है। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का एक सूत्र है, देव देवी तथा भूत मत पूजिए, पुत्र के वास्ते हैं ये केवल बहम, जो लिखा कर्म में बस वही होएगा, सिर पटकना जड़ों में है ना दानपन,
पाप करके आदमी पाप को काटने के लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाता है, गंगा यमुना में स्नान करता है, परंतु पाप कभी कटने वाला नहीं है। कितना सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए हमारे बीच हमारे आदरणीय संत परम पूज्य परम श्रद्धेय संत श्री पवन साहिब जी विराजमान है। आप श्री से त्रैवार साहिब बंदगी है, अपने पावन विचारों से हम सबको आप लावित करने की कृपा करें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। बहुत लोग जमा रहे हैं, कोई उघा रहे हैं, इसलिए जयकारा नहीं लगा पाते हैं, तो एक बार थोड़ा ताली बजा करके जयकारा लगाएं, ताकि ये पंडाल में कोई चंडाल आ गए हो तो भग जाए। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। आइए साहेब जी के विचार श्रवण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हेलो, पूज्यवर साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, उपस्थित भक्त सज्जनों, माता बहनों एवं देवियों, इस कबीर जयंती के पावन अवसर पर मुझे भी समय दिया है, आप सब की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम और आप सब उस महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में जय किया। कहते हैं जिसकी जय जय होती है मन मंदिर की ज्योति है, याद रहे उस चेतन की पाकर काया नर्तन की, मन करो भक्ति सदगुरु की पाकर काया नर्तन की। जिसकी जय जय होती है, आज हम सब के जय करते हैं, भगवान राम के जय, भगवान कृष्ण की जय, स्वामी महावीर की जय, माँ काली की जय, माँ दुर्गा की जय, भगवान बुद्ध की जय, सब के जय करते हैं, लेकिन अपना पराजय करते हैं। हम अपना ही पराजय करते हैं। कबीर साहब तो अपना जय कर लिया। गुरुवर कबीर तो कहते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं, ऐ अवधु ऐ त्यागियों, अवधु छाड़ो मन विस्तारा, अशोपद गहो जाहिते सदगति पार ब्रह्म सो न्यारा। ऐ अवधु ऐ त्यागियों, मन के विस्तार को छोड़ो, मन के माध्यम से हम और आप सब ब्राह्मण बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं, वैश्य बनते हैं, सिया सुन्नित मुगल पठान बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनते रहते हैं। और इस सब मन के विस्तार है, मन के फैलावा है। हर इंसान मन के माध्यम से हंसता है, मन के माध्यम से खूब हंसता है, और मन के माध्यम से रोता भी है, मन के माध्यम से दूसरा का निंदा करता है, मन के माध्यम से प्रशंसा करता है। और गुरुवर कबीर कहते हैं कि मन के विस्तार को छोड़ो, जितना मन के पीछे भागोगे उतना ही दुख मिलेगा। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। गुरुवर कबीर कहते हैं तीन लोकों में मन ही राजा बन बैठा है,
तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर, और मन के सब पूजा कर रहे हैं। कहाँ से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? यदि इंसान को शांति और सुख चाहिए तो मन के सारी घुड़दौल को तोड़े। हम तो अपने मन को ही नहीं जान पाते हैं और अपने ही मन के बारे में बिल्कुल परख नहीं पाते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? आँख की पूजा, कान की पूजा, नाक की पूजा, जीभ की पूजा और चमड़ी के पूजा करते हैं। लेकिन आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी के चलाने वाले उस अमर आत्मा के कहाँ पूजा करते हैं? कभी करते हैं? नहीं करते हैं। तो जिसकी जय जय होती, किसकी जय है? इस जीव के ही जय जय है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना सीओ नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। तो अपने ही जीव की जय करें। गुरुवार कबीर तो कहते हैं, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो नहीं मुजाका है, किंतु दिल ना तोड़ो बंदे यह घर खास खुदा का है। किसी के दिल को मत तोड़िए, या असली खुदा कहाँ है? क्या मस्जिद में है? खुदा सबसे जुदा, जानो अधूरा है, दिखला दे खुद में खुदा, पीर उसे हम कहते हैं। खुद के अंदर में खुदा का दर्शन करा दें। और ये गुरुजन हैं, पहुँचे हुए माता पिता है, भक्त सज्जन हैं, वो कोई कोई अपने खुदा का दर्शन करवा देता है। उन महापुरुषों की जय। चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, या गुरु के रूप में हो, या पत्नी बच्चे के रूप में हो, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वही महान बनते हैं। और कबीर साहब यही कहते हैं कि आत्मज्ञानी बनो, नहीं तो इस दुनिया में इतना जलन है, इतना लड़ाई और झगड़ा है कि मत पूछिए। आज आप देखते हैं रोज यूक्रेन और रूस के युद्ध देख रहे हैं ना, टीवी में बैठ करके देखते हैं। ज़ेलेंस्की पूरा अपने यूक्रेन को विनाश करवा दिया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। देख लीजिए वो ज़ेलेंस्की को, 50 लाख आदमी बेघर हो गए, 22 मंजिल के मकान को मिसाइल से उड़ा दिया, अने पूरा तहस नहस खंडहर बना दिया यूक्रेन को। फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वो भी अपना जिद में अड़ा हुआ है कि मैं रूस से लड़ूंगा, और आदमी मर रहा है, उसको कोई चिंता है? उसी तरह से रूस के राष्ट्रपति को भी अहंकार चढ़ा हुआ है, उसका 30,000 लगभग फौज मर गए अभी, और हजारों हजारों टैंक तो 100 से अधिक तो उसके फाइटर जेट, और एक फाइटर जेट के कीमत कितना होता है? अरबों खरबों का होता है। आज आदमी को आदमी के प्रति दया कहाँ है? है दया? इसीलिए कहते हैं आदमी के शक्ति से अब बढ़ रहा है आदमी के शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। इस समझ नहीं आता कि आदमी क्या कर रहा है, आदमी ही आदमी को सता रहा है। इसीलिए कबीर साहब तो कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, और ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ऐसा इंसान नहीं मिलता है जो अपनी आत्मा से लग जाए और सब में प्रेम फैला दें। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरु नाच। कबीर साहब तो कहते हैं प्रेम पाठ के चोलना पहरो, हम लोग तो चोला तो पहने हैं, लेकिन हिंदू बन करके, मुसलमान बन करके,
ईसाई और सिख बन करके ये चोलना पहन करके खड़े हैं इस दुनिया में और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि सब एक हो, कौ हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए, कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है एक ही पृथ्वी पर रहता है, एक ही पानी इंसान पीता है और उसी पानी को पी करके वो अलग अलग खड़ा हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, शिया हूँ, सुन्नी हूँ, मुगल हूँ, पठान हूँ, पता नहीं आज आदमी क्या बन रहा है। और यही लड़ाई का मूल कारण भी है। मानव को मानव के दृष्टि से देखें, इसीलिए तो कहे हैं, कहते हैं कबीर साहब के प्रशंसा में एक ने बहुत बढ़िया अपना कविता बनाया है, नहीं भूलेगा भुलाने से, नहीं मिटेगा मिटाने से, नहीं भूलेगा भुलाने से, नहीं मिटेगा मिटाने से, कबीर गुरु की मेहरबानियाँ, कबीर गुरु की मेहरबानियाँ, राम कहो भाई रहीमान कहो भाई, तजो दिल से बुराई समझाया, छोड़ो चतुराई हिंदू मुस्लिम ईसाई, यही कबीर गुरु ने समझाया, नहीं भूलेगा भुलाने से, नहीं मिटेगा मिटाने से, कबीर गुरु की मेहरबानियाँ। कबीर गुरु ने जो मेहरबानी की है वो अपनी आत्मा को निकालने के लिए हम और आप सब के लिए की है। इसलिए मेरे भाई सुंदर समय है, आज कबीर जयंती के शुभ अवसर है और शुभ अवसर पर आप माता बहने या हमारे भाई लोग जुलूस में भी गए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, मार सको तो मन को मारो, प्राणी मारना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, जला सको तो दीपक जलाओ। मेरे बंधुओं, किसी के दिल को जलाना मत सीखो, दिल को जलाना मत सीखो। कितना बढ़िया विचार अभी हम सब परम पूज्य श्री साहेब जी को श्रवण कर रहे थे। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नज़र टिक सकती नहीं, है दोनों की ज़रूरत इंसान को, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। प्रवचन के थोड़ा से बीच में मैं एक भजन सुनने के लिए आप सबसे समय लिए जा रहा हूं और भजन प्रस्तुत करने के लिए गौड़सिवनी से आई हुई ज्योति जी, कुमारी ज्योति जी है जीवन साहेब, है कि नहीं ज्योति? और साध्वी लोगों से तो मैं बुला करके आया हूं, लोगों का पता नहीं मन है कि नहीं है, जब उतने दूर से आए हैं कार्यक्रम में तो यहाँ उपस्थित होना चाहिए मंच में। तो अगर है भाई ज्योति तो आ जाओ भाई, एक भजन सुनाओ और नहीं फिर विचार की धारा में तो हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। है नहीं है और कोई माता लोग भजन सुनाने वाले? नहीं है, चलो बोलिए, बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो आइए अब हम विचार की तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं, जब तक साध्वी साहेब लोग आ जाए तो आ जाए। तो हमारे बीच परम आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री देवेंद्र साहेब जी विराजमान हैं। कबीर आश्रम करही भदर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं आप सबके प्रेम के कारण। तो आप श्री के पावन चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी करते हुए यही नम्र निवेदन करता हूँ, आज की इस कबीर जयंती के पावन अवसर पर आप अपना कुछ अमूल्य विचार देकर हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।
एक बार सब लोग दिल से और प्रेम से हम अपने गुरु को एक आदर भाव समर्पित करने के लिए आए हैं। सब लोग दिल से हाथ उठा करके गुरु कबीर का जय जयकार करें। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कबीर जयंती का दिन तो नहीं है, लेकिन समय को देखते हुए आगे पीछे हम लोग मना लेते हैं। इस कबीर आश्रम पर विराजमान परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज और हमारे इस अंचल के सभी भक्त सज्जनों, माता बहनों, कबीर साहब एक ऐसे निराले संत हैं जिसको याद करो दिल से तो मन में भ्रांति खत्म हो जाती है, मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाता, और भ्रम तोड़ने वाले की ही पूजा होनी चाहिए। हमारे संत हुए हैं कबीर परंपरा के बहुत वैराग्यवान संत, थोड़ा बेस कम कर दो भैया, सदगुरु विशाल साहेब जी, उन्होंने कहा है कि वंदना किसकी करनी चाहिए, किसकी पूजा उपासना करना चाहिए। साहेब ने एक दोहा दिया, अज्ञान को जो हान कर वही बंदिमम मन मान का, मेरा वही उपासनी हो सकता है, मेरा मन उसी के लिए समर्पित हो सकता है जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे। अब इसका मतलब नहीं है कि अज्ञान को दूर करने वाले खाली सफ़ेद कपड़ा वाला होंगे, लाल कपड़ा वाला होंगे, काले कपड़े वाले होंगे, वो कोई बात नहीं, जो भी हो वो साड़ी वाला भी हो सकता है, फुल पेंट कुर्ता वाला भी हो सकता है, लंगोटी धारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे। हमारे संतों ने चर्चा की कि हमारे जीवन बहुत बहुत भ्रांतियां हैं, कबीर पंथ में हम लोग दीक्षित हो गए हैं, कंठी माला पहन लिए हैं, लेकिन अभी कबीर साहब का जो ज्ञान है, कबीर साहब की जो रहनी है, वो अभी बहुत कम है, बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। कंठी काम न देगा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। ये हम लोग कपड़ा रंगा लिए हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन लिए, लाल कपड़ा पहन लिए, उससे नहीं काम देगा, मन को भी रंगाना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग भक्ति का चिन्ह ले लिए हैं, गुरु से कंठी ले लिए हैं, लेकिन उनका आचरण भी हमको धारण करना पड़ेगा। जब तक धारण ना होगा, कबीर साहब का ज्ञान का किसी का ज्ञान नहीं काम देगा, कोई ज्ञान काम नहीं देगा। सदगुरु अभिलाष साहेब जी हम लोग को प्रवचन में बीच बीच सुनाते थे, भक्तों से पूछते थे, अच्छा कुछ पढ़ते लिखते हो? अब आजकल ये पूछना ही ठीक नहीं है, क्योंकि जब से ये मोबाइल राजा आ गया है तब से किताब का पढ़ना गुनना संतों का भी बंद हो गया। देखो साहब आगे कह दिए, उसमें कोई बचा नहीं है, ना हमारी माता बहनें बची, ना प्यारे प्यारे बच्चे बचे, और ना हमारे बुजुर्ग बचे। और संत लोग तो वाईफाई वाले हैं, हर समय ऑनलाइन है, सत्संग भी चलते रहता है तो भी वो दबते रहता है कि नहीं? तो हम लोग वो, मैं भी उसमें हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उससे अलग हो गया हूँ, मैं भी उसमें हूँ। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो भ्रांति को दूर करने वाला, अध्ययन मनन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, वो कभी दूर नहीं हो सकता है। ये माता बहने कितना संत लोग समझाते रहें, कितना बुझाते रहें, साफ सफाई नहीं रखने वाले हैं, लेकिन कोरोना देवी आई तो सब कुछ ठीक कर दिए, तीन बार चार बार हाथ धोने को। और ऐसे कबीर पंथी घर में भी चले जाइए तो शौचालय का नल कैसे खोलना है, हाथ कैसे मांजना है, वो भी पता नहीं है, वो भी मजा नहीं। आप लोग कहेंगे साहब ये क्या चर्चा कर रहे हैं, कबीर जयंती के अवसर पर कबीर साहब के ज्ञान की चर्चा करना चाहिए, लेकिन कबीर साहब वो शुरू से लेते हैं, मकान उठाते हैं तो क्या बिना नींव को उठा देते हैं क्या मकान? मकान के लिए नींव डालना पड़ता है, ऐसे ये नींव है। हमारा तन साफ नहीं होगा तो मन साफ कैसे होगा? और कबीर साहब का ज्ञान मन की सफाई के लिए है, मन हमारा पवित्र हो। हमारे संत बता रहे कितना सुंदर, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर,
पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। ये कबीर साहब ने मन की परिभाषा दी। मन हमारा कैसा पवित्र हो, जो कुछ करो सो पूजा, जो भी मैं काम करूं मेरा कर्म पूजा बन जाए। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज जी आपकी साधना क्या है। संत दो मिनट मौन हो गए। फिर संत ने कहा कि भैया ज़्यादा साधना तो मैं जानता नहीं हूँ, थोड़ी सी साधना जानता हूँ। जो साधना वाला संत होगा वो अपने को बहुत चढ़ा बढ़ा करके नहीं बताएगा। विनम्रता से कहा, उन्होंने कहा बेटा मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, थोड़ा जानता हूँ, खाने के समय खा लेता हूँ और सोने के समय सो लेता हूँ, बस यही मेरी साधना है। भक्त ने कहा कि इतना तो हम सब लोग भी करते हैं, आप में और हमारे में क्या अंतर है। संत ने कहा अच्छा बताओ खाते समय केवल खाते हो कि और भी कुछ खाते हो। कहा कि नहीं केवल खाते हैं। तो कहे अच्छा खाते खाते कुछ दूसरा विचार आता है कि नहीं आता है। कहाँ ये तो आता है, और हमारी माता बहनें बड़ी वीर हैं, खिलाते खिलाते भी ये लोग विचार भी खिलाते हैं। भोजन परस दिए थाली में, अब बगल में बैठे पंखा लेकर के अब भोजन करा रही हैं, अब फिर धीरे से कहते हैं कि बेटी का पत्र आया है कि उसको थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है। अब देखो विचार खिला रहे हैं ना, अरे कम से कम 10 मिनट भोजन तो करने देते हैं। छोटी का पत्र आया है कि उसको घर में बीमार है कोई, उसको पैसा ज़रूरत है। तो ये विचार खिलाना हुआ, और भाई लोग भी भोजन करते जाते हैं, खेत में क्या हो रहा है, धंधे में क्या हो रहा है, लड़का कहाँ है कि बहू कहाँ है कि बेटी कहाँ है, यही सब विचार चलते रहता है। तो खाते समय केवल खाना कहाँ हुआ, विचार भी हम खा रहे हैं। एक साधना करें 10-15 मिनट के लिए, भोजन के समय केवल भोजन करें और सोने के समय केवल सोएं। सोने चलते हैं नींद नहीं आती, विचार चलते रहता है। विचारों का प्रवाह बंद होना चाहिए, जब तक विचार प्रवाह बंद ना होगा तब तक नींद भला कैसे आएगी। हमारे संत लोग बार बार आप लोग को जगा रहे हैं कि देखो जम्हाई आ रही है, नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है, कोई कांटे पर सो करके नींद नहीं ले सकता है। फूल की सैया हो उस पर आदमी को सुला दो तो तुरंत आदमी सो जाता है, और कांटे पर सुलाओ तो वो नहीं सोएगा। देखो यहाँ पर इतनी गर्मी है फिर भी जम्हाई आ रही, नींद ले रहे हैं। लेकिन यहीं पर अभी नाच गाना होता तो नाच गाना कोई सोता, यहाँ पर कोई ना सोता। इसलिए सीधी सी बात है, ये सत्संग की जगह फूलों की सैया है, फूल की जगह है। फूल की सैया मतलब सुगंधि की जगह। ये संत जन आपको सुला देते हैं, ज्ञान में सुला देते हैं, आपका मन समेट लेते हैं। और जब तक मन हमारा न सिमटेगा तब तक नींद न आएगी, शांति न होगी, बेचैनी बनी रहेगी। और संत जन का जो ज्ञान है वो मन की बेचैनी को दूर करने के लिए। और कबीर साहब ने सभी प्रकार के ज्ञान हम लोग के सामने रखा, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, छुआछूत का, पाखंड का, लड़ाई झगड़ा ये आपसी मतभेद का, इन सबको दूर करके हम सबको आत्मा में स्थित होने का रास्ता बताया, और हम लोग को जीने की एक संबल दिए। नहीं तो यहाँ पर बैठ करके हम लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना, ये हम लोग न कर सकते थे। ये देवियाँ माता बहनें यहाँ पर बैठ नहीं सकती थी, इनको चूल्हा फूंकना है। और यहाँ जितने लोग बैठे लगभग ये सब साहूकार हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र निकालिए अपना, कोई साहू लिख के नहीं देगा। क्या लिखेंगे साहब, सब तेली लिखेंगे, है कि नहीं। प्रमाण पत्र कहीं भी सरकार में निकलवाइए तो लिखेंगे जाति तेली, और तेली का मुख जो देख लिया वो समझ लीजिए उसका काम बिगड़ गया। गुरुदेव जी का संस्मरण कई बार हम लोग को याद आता है कि गुरुदेव जी कह 20 साल की उम्र में मैं घर छोड़ा, तो जैसे ही निकला वहाँ से एक ढोंढे काका, साहब जी नाम लेते थे ढोंढे काका, वो तेली थे, तो तेल का घड़ा लेकर के वहाँ पर सामने दिख गए। अब तेली का मुख देखना उस समय तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई, उसका काम बिगड़ गया। तेली का मुख देखा तो काम बिगड़ गया, कहे भैया मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं रास्ते में आ गया। गुरुदेव जी ने कहा कि काका आप चिंता ना करो, आपका मुख देखा मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। ऐसा साथ, और गुरुदेव जी का काम ऐसा बना कि आज जग जाहिर है। तो किसी का मुख देखने से किसी का काम बन जाता है, किसी का काम बिगड़ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना।
ये भ्रांतियाँ हैं। और कबीर साहब ने इसी को काटा और आज इस दर पर बैठकर देखो, हम लोग सभा में बैठ करके यहाँ पर मंच पर बोल रहे हैं, और नहीं तो कबीर साहब के ज़माना में ये जितने हम लोग तेली कुम्हार कहलाने वाले सब छुट्टी जाति के हैं, मंच पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। और भी छूत कहे जाने वाले कबीर साहब के ज़माने में देखिए तो जो भंगी समाज है, सफाई कर्मचारी, वो कहते थे कि पीछे वो जैसे बानर का पूंछ होता है वैसे पूंछ बना करके झाड़ू बांध के चलते थे, झाड़ू बना करके, ताकि पैर से उनका जो ज़मीन पर चिन्ह पड़े वो चिन्ह मिटते जाए, इतना इतना था। लेकिन कबीर साहब ने इसको तोड़ते तोड़ते तोड़ते, एकाएक तो कोई भी चीज़ नहीं होता है, एकाएक कभी नहीं बदलता है। कबीर साहब ने वो बात उठाई और धीरे धीरे संत परंपरा चली, दादू दरिया घीसा पलटू जगजीवन साहब जितने संत परंपरा के संत हुए इन्होंने काम किया, और धीरे धीरे इन देवियों को पढ़ने का अधिकार मिला, वो भी बराबर का अधिकार, नहीं चलेगा नहीं चलेगा ऐसा लोग आप आवाज़ उठा सकते हैं। कबीर साहब के ज़माने में ऐसा उठाने वाला नहीं था, जो आवाज़ उठाता उनका सिर कलम कर दिया जाता। तो कबीर साहब सच्चे थे, सच्चे का रास्ता उन्होंने बताया, और हम सबको भी सत्य के पथ पर चलना चाहिए, यही हम सबकी कबीर साहब की जयंती मनाने का ये फल होना चाहिए। और गुरुदेव जी तो कहते थे कि जयंती किसकी मनानी चाहिए, जन्मदिन किसकी मनानी चाहिए, तो गुरुदेव जी की जन्मदिन हम लोग कभी कभी मना लेते थे, मना करते थे, तो बहुत विनती पर आए और कहे कि जन्मदिन इस देह का क्या मनाना, मेरे ज्ञान की चर्चा किया करो। फिर गुरुदेव जी ने कहा जन्मदिन मनाना उसी का सफल है जिसका फिर से जन्म न हो, बर्थडे मनाना उसी का सफल है जिसका फिर से बर्थ न हो। कबीर साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, तो उसी का सफल है, उन्होंने फिर निर्वाण को प्राप्त हो गए तो क्या जन्म न और मरना। संत जन इसी का उपदेश करते हैं, ऐसा जीवन जियो कि फिर से जीना न पड़े, फिर से जीवन धारण न करना पड़े। ये जीवन में आकर के हम लोग क्या पाए, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता है। बहुत शादी शुदा बुजुर्ग लोगों से पूछो कि भैया आपने इतना लंबा जीवन जिया और आपके गृहस्थी का क्या अनुभव है, उन्होंने कहा कि साहब हम पछता रहे हैं गृहस्थी बसा करके, चार चार लड़के हो गए तो वो अपनी तरफ खींचते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं, कोई सुखी नहीं है। जिसका मान लो बेटा बहुत आज्ञाकारी है फिर भी तन का दुख साथ में लगा है, मन का दुख साथ में लगा हुआ है, कोई किसी को जल्दी से जब तक विवेक ज्ञान नहीं होगा वो आशा तृष्णा छुटकारा है ही नहीं, तो दुखी होकर के कहते हैं साहब मेरा जीवन ऐसे व्यर्थ चला गया। एक बाप मरणासन्न था तो अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा मेरी एक बात मानोगे, कहाँ पिताजी बिल्कुल मानूंगा, तो कहे मैंने जीवन जी लिया और शादी करके मैं बहुत पछताया और तुम शादी मत करना। तो लड़का कहता हाँ पिताजी बिल्कुल आप 100% कहते हैं और यही बात मैं अपने बेटे को बताऊंगा, यही बात मैं अपने बेटे को बताऊंगा, मतलब मैं भी शादी करूं मेरा बेटा हो तब तो मैं बताऊंगा, वो भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा है। तो अनुभव की बात बताओ लेकिन अनुभव को मानने वाला भी तो होना चाहिए। संत जन बताते हैं और रास्ते पर खड़ा होकर कहते हैं, कबीर साहब ने कहा कहीं कबीर पुकार के पुकार करके कह रहे हैं, चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन मानने वाला कौन है, मानने वाला कोई नहीं। बुढ़िया कहती तो सत्य पर सुनता है कौन, कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे ही है। इन माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के आते हैं, उनको एक आदर्श देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि देखो संत जन आए उनको प्रणाम करो, ये सिखाते हैं। ये भाई लोग नहीं सिखा पाते हैं क्योंकि इनके अंदर अहम है, अहम, वो अहम न झुकने देता है और न किसी को झुकने की प्रेरणा देता है। ये माता बहनें सरल होती हैं तो बच्चे उनके गोद में होते हैं, अपना झुकती हैं और बच्चों को भी झुकाना सिखाती हैं। ये बाल संस्कार भवन में हम लोग बैठे हैं, सदगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं, और हम ये संकल्प लें कि कबीर साहब ने जैसे डंके की चोट पर सत्य कहा तो वह सत्य हमारा भूलने न पाए, थोड़ा हानि हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अपने वंशज को अपने पुत्र पुत्रियों को झूठ बोलना न सिखाना, सत्य बोलना सिखाना। कबीर साहब ने कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। एक लड़का था 8-10 साल का छोटा बच्चा, तो उनका जन्मदिन आया,
और लकड़हारा का बेटा था, तो उनके पिता ने उनको छोटी सी कुल्हाड़ी दी, क्योंकि लकड़ी काटने काम करते थे, उनके जन्मदिन पर गिफ्ट में एक कुल्हाड़ी दी और कहा बेटा तुम्हारे जन्मदिन पर ये तुम्हारा गिफ्ट है। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ। अब पिताजी काम पर गए तो बेटे ने उनके बगीचा था ओफ कुल्हाड़ी लेकर के पूरा बगीचा ही काट डाला, मतलब टेस्ट के लिए कि हमको कुल्हाड़ी मिली तो धार है कि नहीं है। शाम को पिता आया, देखा पूरा बगीचा एकदम तहस नहस कटा हुआ, बहुत दुखी हुआ और ज़ोर से चिल्लाया कि किसने काटा ये। तो लड़का सामने आया और बहुत रुआसा होकर के कहा पिताजी मुझको क्षमा कर दीजिए और मैंने ये पेड़ काट दिया, मैंने काटा। ओ बेटा की ऐसी सत्य बात को सुन करके पिता ने उसको थप्पड़ नहीं मारा। हम लोग होते तो क्या करते बताओ, क्या करते, दो थप्पड़ उसको लगाते के मूर्ख कहीं का करना चाहिए। लेकिन उस पिता ने बेटे को थप्पड़ न लगाया, गले से लगा लिया, कहे बेटा तूने सत्य कहा, तूने सत्य कहा, इसके लिए मैं प्रसन्न हूँ। तूने पेड़ काट दिया लेकिन ये गलती तो हुई, लेकिन तूने सत्य कहा इसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। गले से लगा लिया और बेटे ने प्रश्न किया कि पिताजी आज से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। सत्य के लिए उन्होंने एक रास्ता खोजा और वही दो थप्पड़ लगाता तो लड़का कहा था अच्छा सही बोलने का फल थप्पड़ मिला तो आगे से अब सत्य नहीं बोलूँगा। यही तो होता है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि अपने हम आने वाले वंश को क्या सिखा रहे हैं। कबीर साहब ने ये सब प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को लेकर के हम आगे बढ़ें तो निश्चित ही कबीर जयंती मनाना ये हमारा सार्थक होगा। आज गुरु ज्येष्ठ पूर्णिमा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कबीर साहब ऐसे संत हैं जिनकी जयंती पूरा महीना चलता है, जेठ लगा कि कबीर जयंती चालू हो जाती है। कोई ऐसे संत नहीं, कोई ऐसे महापुरुष नहीं है जिनकी जयंती महीना भर चलती हो, और कबीर साहब की जयंती महीना भर और महीने के बाद भी चला करता है। ये कबीर साहब की विशेषता है, उन्होंने समाज को दिया, समाज को सत्य के राह पर चलने के हम सबको एक संबल दिया। उस कबीर साहब के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय। आप सब लोगों ने मेरी बातों को बहुत धैर्य से प्रेम से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, दिन को कह सकता रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। एक कबीर साहब की चुनौती है। कबीर साहब को ना निंदा के डर है, ना कोई गाली दे या अपमान करे इसका डर है, वो केवल सत्य को सत्य कहना जानता था। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतों देखत जग बौराना। क्योंकि आज के आदमी सत्य से बहुत कोसों दूर हुए जा रहे हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जाके जाते घर तीक चाकी भली, जो पीस खाए संसार। कितना बढ़िया विचार सद्गुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर श्रवण कर रहे थे। आइए हमारे बीच कबीर आश्रम परसठी निकट नवापारा राजिम से पधारे हुए आदरणीय संत श्री हरेंद्र साहब जी विराजमान है। आप श्री से भी त्रय बार साहेब बंदगी करते हुए यही नम्र निवेदन किए जा रहा हूँ, आप अपने विचारों के माध्यम से कुछ समय हम सबको आप लाभित करें। साहेब जी तो वैसे 2 बजे का समय दिया है और 2:15 तो हो गया है, और खुद साहेब जी को भी हम सुने नहीं हैं, तो इसलिए फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए अपने विचार देने की कृपा करें। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप, गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वंदनी
सूर्यवत प्रकाशत स्वरूप, चांदवत शीतल, सागरवत व्यक्तित्व की गहराई, जो इस धरती के लिए वरदान स्वरूप सदगुरु कबीर साहब के चरणों में अंतर्भाव से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए ज्ञानदाता बोधदाता गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस आश्रम के संस्थापक ज्ञाननिष्ठ विचारनिष्ठ परम पूज्य साहेब जी के चरणों में नमन करते हुए विराजमान सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए हंस स्वरूप आत्मीय बंधुओं तथा शक्ति भक्ति के स्रोत प्यारे माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, कबीर जयंती की इस पावन वेला पर सदगुरु कबीर साहेब के कुछ संदेश को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जब अंधेरा होता है तो दीपक जलाई जाती है, दर्द होता है तो दवाई ली जाती है, भूख लगने पर भोजन लिया जाता है और जब प्यास की तड़प होती तो पानी पिया जाता है। इन सामान्य बातों से हम कह सकते हैं कि ऐसे ही इस दुनिया पर, केवल भारत पर ही नहीं, भारत के बाहर भी एक विषम परिस्थिति थी जो किसी भी स्थिति में मानवता को स्वीकार नहीं था। अगर आज हम किसी से भी पूछें, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, कि मनुष्य अपने जाति से बड़ा होता है कि कर्म से, ये बात आप अपने लोगों के बीच पूछ सकते हैं, स्कूल में अगर शिक्षक बंधु हो तो स्कूल में पूछ सकते हैं, आप अगर अधिकारी हैं तो आप अपने ग्रुप के बीच में पूछ सकते हैं। ये प्रश्न सार्वभौमिक है, इसको आप पूछिए कि मनुष्य अपने जाति से बड़ा होता कि कर्म से, तो सबके अंदर से एक ही आवाज़ उठेगी कि मनुष्य अपने, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो, कर्म से बड़ा होता है। जो आपके और हमारे अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ है, इसको हमारे पूर्वज कहलाने वाले हैं, उन्होंने दबा के रखा था, जिसको हम कहते हैं समाज के कुछ हिस्से में ब्राह्मण समाज, जिन्होंने मनुष्य को पशु बना के रखा था। मनु स्मृति की कुछ व्यथित बातों को लेकर के कुछ हमारे उस समय के और भी समाज के कर्ता, समाज को मार्ग देने वाले कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ा करके मानवतावाद को पीछे कर दिया कि नहीं, मनुष्य अपने कर्म से बड़ा नहीं होता, जाति से बड़ा होता है। और इसीलिए तो आज हम दोहराते हैं कि पूज्य विप्रशील गुणना न पूज्य शुद्ध ज्ञान प्रवीणा। अगर मानवतावाद को आगे दिया स्थान मिलता तो जातिवाद को कभी प्राथमिकता नहीं मिलती, लेकिन जब जातिवाद समाज में ज्यादा आगे बढ़ा तो फिर कोई इस बीच में सूरज दिखाने वाले आए, जिसको हम सदगुरु कबीर साहब के नाम से जानते हैं, और उन्होंने एक सुंदर फोकस दिया जिसको आप हम सब सदगुरु कबीर साहब के वाणी के माध्यम से जानते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। जब ऐसे बुलंदी की आवाज समाज में गूंजने लगी तो आप जैसे सरल हृदय, निर्मल हृदय की दिलों में बातें बसने लगी और उस सत्य को आप लोगों ने अपने जीवन में उतारा। जब आप जैसे जिज्ञासु लोग उस बातों को स्वीकार करने लग गए तो इस बीच में पंडितों का सिंहासन हिलने लग गया और उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम जाति में श्रेष्ठ हैं, सभी बातों में श्रेष्ठ हैं, हमारी इबादत, हमारा संचालन समाज के बीच में होना चाहिए। तो कबीर साहब ने भी नहीं छोड़ा, ऊंचे कुल के जनमिया करनी ऊंच न होए, स्वर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा होए। ऊंचे कुल के जनमिया क्या हुआ, तुम ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो, लेकिन बड़ी उन्होंने हथौड़ी मारी, करनी ऊंच न होए। अगर तुम्हारी करनी रहनी सुंदर नहीं है
तो स्वर्ण कलश सूरा भरा सोने के कलश में अमृत शोभा पाता है, न कि शराब। अगर तुम ब्राह्मण कुल में जन्म ले तुम्हारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं था, इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्दन आई, करिय स्नान तिलक दे बैठे विधि सो देवी पूजाई, आत्म राम पलक में बीन से रुधिर की नदी बहाई, अति ऊंचे पुनित कुल कहिए सभा माए अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे मोई भाई, पाप कटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा, गाय बधे ते तुरु कहिए इनते क्या वे छोटे, कहीं कबीर सुनो हो संतो कलिमा ब्राह्मण खोटे। अर्थ करने का समय नहीं, लेकिन उस समय जिस वाद से, जिस विवाद से, जिस धूल और मिट्टी से हमारी मानवता दबी हुई थी, हम लोग भी दबे हुए थे, और सदगुरु कबीर साहब ने उस मिट्टी में जो हीरा छिपा हुआ था उसको उन्होंने हटाया, और हटा करके एक शुद्ध मानवता का हमको संदेश दिया, शुद्ध मानवता का हमको एक संपत्ति दी, और उसी के बदौलत आज हम आप ऐसे सभा के बीच में, ऐसे महापुरुषों के बीच में कुछ ज्ञान की बातें सुनने के अधिकारी बनते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सदगुरु कबीर साहब ने जातिवाद के नाम पर समाज में कचड़ा था उसको हटाया। यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी बैठी होंगी जो देवताह सक्ताह घर से आई होगी, जरूर आप कबीरपंथी परिवार में आ गई, लेकिन आपकी कुछ रूढ़िवादिता है जिसके कारण से आप सदगुरु कबीर साहब की वाणी और विचार को उतना गहराई से समझने की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन जरूर आप दो अगरबत्ती लेकर के दिया जला करके कहीं जगन्नाथ भगवान तो कहीं दुर्गा माता तो कहीं भवानी माता तो कहीं और कुछ तो और कहीं कुछ, ये सारी चीज़ों पर आपकी आस्था जरूर है, लेकिन याद रखना राम के मंदिर में जाने का अधिकार, कृष्ण के मंदिर में जाने का भी अधिकार, विद्यालय में गुरुकुल में जाकर के पढ़ने का अधिकार, सारे अधिकार अगर देने की क्षमता दी तो किसने दिया? जोर से बोलो, सदगुरु कबीर साहब ने दिया। अन्यथा तो ये कहा जाता था कि तुम शूद्र हो, तुम साहू हो, तुम देवांगन हो, तुम धोबी हो, तुम नाई हो, समाज के जितने भी कर्म करते उनको पशु बना के रखा था, तुमको यहां नहीं जाना है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा नहीं, ऐसो भरम बिगुर चन भारी, वेद की तेब दीन और दोजा को पुरसा को नारी, माटी का घट साज बनाया ना दे बिंद समाया, माटी का घट साज बनाया ना दे बिंद समाया, और घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना, एके त्वचा हाड़मल मूत्र एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सुधरा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। एक लपेट में स्पष्टवाद, जहां पर व्यष्टिवाद से समष्टिवाद की ओर इतने गति के साथ समाज में परिवर्तन ले आए, ऐसे सदगुरु के चरण में कोटि कोटि नमन है, और यही वीरता और यही बहादुरी के साथ आप लोग भी गर्व के साथ कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं। मेरा ही निवेदन है, समय मेरा ज्यादा हो रहा है, साहब जी विराजमान हो चुके हैं, मेरा ही निवेदन है आप लोग अपने घर में बर्थडे मनाते हो, आप लोग अपने घर में बर्थडे मनाते हो, जितने बच्चे हैं उनका बर्थडे मनाते हो, चाहे घरे घर के मनाओ, आप षठी का कार्यक्रम मनाते हो, होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, हरियाली मनाते हो, सारे कार्यक्रम मनाते हो, तो बताइए दो ही चार मनाते हो कि पूरा गांव मिल करके, पूरा परिवार मिल करके, क्या उत्तर है? क्या उत्तर है? बर्थडे मनाते हो, हरियाली मनाते हो, होली मनाते हो, दीपावली मनाते हो, कोई भी कार्यक्रम मनाते हो गांव में, तो दो चार ही लोग मनाते हो, पूरा गांव मिल करके मनाते हो, पूरा गांव मिल करके मनाते हो। आज उस होली और दीपावली और हरियाली के त्यौहार से
सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कम नहीं। इनको भी गांव-गांव में मिल करके हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती, क्योंकि ये प्रेरणा आपके माध्यम से समाज तक पहुंचता है, आपके बाल बच्चों तक पहुंचता है। थोड़ा सा संतोष भैया ने कहा कि देखो आज सब तरफ आश्रम का विस्तार हो रहा है, और पहले जमात के जमात आते थे उसका एक प्रभाव था, लेकिन आपका कहना भी सार्थक है, सम्मान करता हूं, लेकिन हम तो यही अनुभव करते हैं कि अगर कहीं केवल नवापारा आश्रम में कार्यक्रम होता कबीर जयंती का, तो क्या इसमें जितने लोग बैठे पहुंच पाते? क्या नहीं पहुंच पाते? ना नहीं पहुंच पाते। रीवा से कितने सदस्य आए? 4 सदस्य। और रीवा में अगर कार्यक्रम होता तो 100 सदस्य तो जरूर रहते। मतलब विस्तार से समाज में विचार बढ़ता है, इसलिए ये जिम्मेदारी केवल संतों की नहीं, आप सबकी भी बनती है। और जब कभी भी किसी गांव में कार्यक्रम हो, कबीर जयंती का कार्यक्रम हो, तो ये कभी ना होना चाहिए कि घर घर में साहब लोग चले गए, पूजा कर दी, इसके बाद जिम्मेदारी खत्म। ये हमारी शुरुआत है लेकिन अंतिम नहीं, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है गांव-गांव में करो। अरे गांव-गांव मिल करके कितने कार्यक्रम कर लेते हो, मड़ई है, मेला है, और कितने कार्यक्रम आप लोग कर लेते हो। तो एक मिल करके सदगुरु कबीर साहब के एक दिन अगर ऐसी जयंती मनाएं तो ये परंपरा आगे बढ़ करके समाज को एक विकास की ओर हमको गति देगा। इसलिए मेरा निवेदन है ये विचार को हमको मानने की जरूरत है। और दूसरी बात, एक मिनट का मैं कह दूं, विचार को विराम दूंगा। समाज के अंतर्गत जो सबसे बड़ी कुरीतियां थी, आगे चल करके सदगुरु कबीर साहब ने उसको साफ किया। चार वेद को पढ़िए, चार वेद में अंधविश्वास से कुरीतियां हैं, गोमेधयज्ञ, नरमेधयज्ञ, अजमेधयज्ञ, ये सारी कुरीतियां उस जमाने में थी जो मानवता के विरुद्ध हैं, इंसानियत के खिलाफ है। भगवान महावीर ने थोड़ा सिद्धांत चलाया, अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने एक बीज दिया, एक सूत्र दिया, लेकिन आगे चल करके जो विस्तार में उपनिषद में भी है वो आत्मज्ञान परक है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अय आत्मम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये गौतम ऋषि के द्वारा श्वेत केतु को जो संदेश दिया गया ये आत्मज्ञान परक है। लेकिन समाज की जो अंधविश्वास थी, कुरीतियां थी, जड़ता थी, उसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभुन छूटी है कोटि सुनो पुराण, जीव घात न कीजिए बहुरी लेते वह कान, तीरथ गए न बाँचो चाहे कोटि हीरा देवदान। इतनी सच्चाई, इतनी परख की बातें सदगुरु कबीर साहब ने समाज के बीच में किया, और जिसके कारण से आज हम सब जितने भी बैठे हैं ना, ये आज ज्ञान के अधिकारी बने। नहीं तो आपको हमको अगर पंडित जान जाते, यहाँ पर सभा हो रही है, तो ना जाने कौन सा राजा के पास शिकायत करके और उनके साथ कोई भी मुकदमा किया जा सकता था, कोई भी दंड दिया जा सकता था। और तभी तो कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ, ना कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब सत्य लखाने लगा, समाज के बीच में फैलने लगा, तो पंडित लोग आरोप करने लग गए कि हम पंडित को ही ज्ञान का अधिकारी हैं, हम शास्त्र पढ़ने का अधिकारी हैं। तब कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ, ना कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये सिद्धांत हमारे जीवन में आना चाहिए, और धीरे 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 करके अहिंसावाद टूटता चला जा रहा है, हिंसावाद आती चली जा रही। कबीरपंथी जैसे साहब लोगों ने कहा, ये दिल की पीड़ा है उनकी, कहा देखो कबीरपंथी परिवार है लेकिन चुप करके गलत चीज़ों का सेवन हो रहा है। अच्छा एक बात, बस सेकंड की बात, मैं फिर बात को पूरा करता हूँ, इसका निचोड़ समझ लो। अगर हम सबके बीच में एक प्रश्न रखा जाए कि आप अपने जीवन में कैसा आदमी कहलाना चाहते हैं, तो एक ही उत्तर मिलेगा, अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। इसके लिए साहब ने कहा, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले आओ। अगर हम सब एक निश्चय कर लें कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ और कल भी मुझे जो कार्य करना है वो अच्छा करना है, जैसे आज तक मैंने जीवन जिया है, मेरा निवेदन, जैसे आज तक मैंने जो जीवन जिया है उस जीवन से मुझे आगामी जीवन को अच्छा जीना है और अच्छा जीवन जीना है। हर दिन, हर पल, हर कदम मेरे लिए अच्छाई का हो,
अगर ये निश्चय भाव हो जाए, जैसे आज माताएं भोजन बनाई तो कल का भोजन और सुंदर बनना चाहिए, आज मकान बनाए तो कल का हमारा निर्माण और अच्छे ढंग से होना चाहिए, ऐसे जीवन के भी क्षेत्र में हम चुन लें। इसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चली आओ। ये संदेश, छोटी छोटी बातें जिसको सदगुरु कबीर साहब ने हमको सिखाया, संतों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से हमको जरूर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ संतों के चरणों में निवेदन करते अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहब की जय। पारख सम सिद्धांत नहीं, बीजक सम कोई ग्रंथ, कबीर समान कोई गुरु नहीं, खोज देखो मत पंथ, खोज देखो मत पंथ, खोज देखो मत पंथ। कितना बढ़िया सार शिक्षा, और हमारे इस व्यवहारिक जीवन से परमार्थिक जीवन तक बढ़ाने के लिए साहेब जी ने प्रयास किया। आइए हमारे परम पूज्य श्री साहेब जी के आदेशानुसार, मैं कुछ भक्तों के भी विचार सुनने के लिए आदेश दिया है, उसके लिए मैं निवेदन किए जा रहा हूँ। हमारे परम सम्माननीय भक्त प्रवर देवलाल गुरु जी, आपसे निवेदन है आप आएँ और 5 मिनट में ही अपना विचार देने की कृपा करें, क्योंकि समय देवलाल गुरु जी है कि नहीं है? आ रहे ना, आइए भैया, निवेदन है। आइए, हमारे बीच मास्टर साहब विराजमान हैं और आप श्री से हम यही निवेदन किए जा रहे हैं, अपने विचार हम सबको 5 मिनट देकर लाभान्वित करने की कृपा करें, और समय को देखते हुए साहिब बंदगी साहिब। गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप मंच में विराजमान सभी गुरुदेव को मेरा स्पर्श के साथ सादर वंदन। दर्शक दीर्घा, श्रोता दीर्घा में बैठे हुए सभी सज्जनों का मैं चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूँ। माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे 5 मिनट में अपनी बातें संपन्न करने का आदेश हुआ है। मेरे मन में भी विचार उठता है कुछ बोलूं, और मुझे अवसर मिल गया, ये गुरुदेव देव की आशीर्वाद है। मैं एक छोटा सा साखी लेकर बात कहूंगा। यह साखी बीजक का है और प्रमुख है। साखी आंखी ज्ञान का, समुझ देख ही मनमाही, यह साखी ज्ञान की है। ज्ञान की है तो यह ज्ञान हमको कहां से मिला? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो है बताए, कबीरा गोविंद दियो है बताए। तो गुरु का ज्ञान, गुरु कौन है, इसकी समझ ये साखी से ही हुआ है। साखी आखी ज्ञान की, समुझ देखी मनमाही, बिन साखी संसार की झगड़ा छूटत नाही। संसार में झगड़ा बहुत होता है। झगड़ा कैसे? ये झगड़ा के जड़ 3, जड़ जोरू जमीन, ये झगड़ा है। और ये झगड़ा ला शांत करे बर कबीरदास जी फिर कहिस, का कहिस? साईं इतना दीजिए
जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा न रहूं, संत भी भूखा न जाए कबीरा, संत भी भूखा न जाए। मन में यदि संतोष हो जाए, बहुत इकट्ठा करने की चाह समाप्त हो जाए, बहुत ज्यादा संकलन करने की इच्छा समाप्त हो जाए, जड़ और जमीन इकट्ठा करने की जब चाह समाप्त हो जाएगी, उस समय ये जड़ जमीन के झगड़ा जो है समाप्त हो जाए। झगड़ा काबर होते? झगड़ा नफरत के कारण होते, झगड़ा घृणा के कारण होते, झगड़ा एक दूसर ला नीच दिखाए कारण होते, झगड़ा सम्मान नहीं दे कारण होते, झगड़ा अपमान करे कारण होते। ये झगड़ा ले यदि दूर करना है तो झगड़ा ला शांत करे बर घलो कबीरदास जी बहुत बढ़िया साखी कहे। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। ये प्रेम, प्रेम शब्द ऐसा शब्द है जिसको लोग संकुचित अर्थ में ले लेते हैं। क्या माँ अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता करती? क्या बाप अपने पुत्र से प्रेम नहीं करते? क्या भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं होता? क्या पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता? प्रेम, प्रेम से तो पशु को भी बस में किया जा सकता है। प्रेम से बस पशु आपके पीछे चलेंगे, आप देख लेंगे, आपको एक से एक उदाहरण मिलेगा इस संसार में। यदि आप प्रेम से जीना सीख गए, एक दूसरे से नफरत करना सीख गए, सम्मान की चाह छोड़ दिए, अपमान को आप भूल गए, तो झगड़ा होना समाप्त हो जाए। इन सारे चीजों को आपको समझना होगा। कबीरदास जी के विचार को यदि आप समझ लिए, पढ़ लिए और पढ़ करके अपने व्यवहार में उतार लिए। मैंने कबीरदास जी के साखियों को पढ़ते हुए कई लोगों को सुना है, उनकी व्याख्या करते हुए भी कई लोगों को सुना है, लेकिन व्याख्या तक ही सीमित रह जाते हैं, पढ़ने तक ही सीमित रह जाते हैं और इस प्रेम की भाषा को भूल जाते हैं। और झगड़ा और क्यों होता है? झगड़ा झूठ के कारण होता है। अभी साहब जी एक प्रसंग बोल रहे थे, बेटा इस पेड़ को किसने काटा? बेटा डरते हुए, संकोच करते हुए, भय खाते हुए, पापा कहीं मार न दे कहते हुए, सत्य को उसने उजागर किया कि पापा पेड़ को मैंने काटा है। उस समय पापा के मन में, बाप के मन में दया भाव आई, उसके मन में ये विचार आया कि मेरा बेटा झूठ का सहारा नहीं लिया, सत्य का सहारा लिया, और सत्य बोलने वाला मेरा बेटा अपराधी होते हुए भी अपराध बोध से दूर है। तो जब आदमी झूठ बोलता है तो समाज में झगड़ा होते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीरदास जी ने कहा, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। आप कौन? आप सबके आत्मा में, आप सबके शरीर में जो बसा हुआ है वही आप है।
आप से क्या मतलब है? सदगुरु कबीर साहब का स्वरूप है, आप सबके शरीर में वही सदगुरु साहब बसे हुए हैं। उसी सदगुरु साहब को कह रहे हैं, यदि आप तक सत्य बोलते हो, झूठ से दूर रहते हो, प्रपंच से दूर रहते हैं, छल कपट नहीं करते हैं, अर्थ ईर्ष्या नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप में साहेब का स्वरूप बसा हुआ है। इसी पर इतना ही बातों को कहते हुए मैं अपनी क्षमा प्रार्थी के साथ आप सभी का क्षमा चाहता हूं कि मेरा समय अधिक हो गया, मैं ज़्यादा बोल डाला। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, मुझे क्षमा कीजिएगा। साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सारगर्भित विचार हमारे परम सम्माननीय मास्टर साहब के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आज कई जयंती संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, है ना? संतों में शिरोमणि की उपाधि, सम्राट की उपाधि अगर मिली है तो किनको मिली है? सदगुरु कबीर साहब को। लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा हमारे मास्टर साहब से, कबीर दास कह दिए ना, ये थोड़ा से हमें हल्कापन लगा। कबीर दास नहीं कहना चाहिए, जहाँ तक हो सके आप सुधारने के लिए प्रयास करें। साहेब बंदगी। अब हमारे बीच एक बच्चा आया है, छोटा सा रौनक, जल्दी आ जी, अपना रौनक बढ़ाओ समाज में, क्योंकि कई लोगों को भूख लगी होगी, बार बार इधर उधर देख रहे हैं, उठ के जा रहे हैं, और समय भी हो चुका है, 2 बज गए हैं। लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग पूरे दिन उपवास रहते हैं, तो आज कबीर साहब के नाम से थोड़ा 1 घंटा और बढ़ा देंगे, 3 बजे तक तो कोई हर्ज नहीं है। आइए बाबू। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सत संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सतसंगत नहीं मानो को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानो को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत संगत से सत ज्ञान मिले, सत संगत से भगवान मिले, सत संगत पानी से पौधा पलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत संगत से सौभाग्य जगे, सत संगत से दुर्भाग्य टले, सत संग पानी चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ताली बजाओ भाई, ताली। शुरुआत में जो 3 बालिकाएं भजन सुनाए उसको 50 रुपए का इनाम मिला, अब ये बच्चा को हम 50 नंबर दे रहे हैं, है ना जी? 50 नंबर कुछ भूल हुई है, इसलिए हम उसको पेंडिंग में रख देते हैं। और हमारे बीच हमारे प्रबुद्ध में, भक्तजनों में, और मैं भक्त प्रवर कहूँगा, परम सम्माननीय, परम आदरणीय रीवा से पधारे हुए सम्माननीय द्वारका भैया से निवेदन करता हूँ, आप आए, और पूरे भक्त समाज की ओर से और आभार प्रदर्शन के भी रूप में आप अपना विचार देकर हम सबको आगे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। साहेब जी यहाँ पर उपस्थित हैं,
सकरी कबीर आश्रम के गुरुगद्दी स्थान में बैठे, उनके प्रेरणा से ही आज कबीर जयंती का इस बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। थोड़ा सा भूमिका, ये तीसरा चौथा माह है साहब जी, माह में चौथा है कि तीसरा है? चौथा है, पांचवा है, वेरी गुड। छह माह हो चुका है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हर महीने की एक तारीख को साहेब जी के द्वारा सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है और बहुत दूर दूर से हमारे आसपास के सभी भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं और निर्णय लिया गया कि इस एक तारीख को कबीर जयंती का कार्यक्रम रखा जाए। और साहेब जी ने ये भी कहा है, बीजक का जो पद याद करके आएंगे, पूरा अगर एक पाठ उनके लिए अलग इनाम, दो पाठ के लिए अलग इनाम, और पूरा बीजक पढ़ के आएंगे इसके लिए अलग इनाम। तो अभी तक वो काम अभी हमारे किसी भक्तों के द्वारा नहीं हुआ है, और हो भी सकता है कोई तैयारी करके आए हों, उनको हम सुन सकते हैं, थोड़ा लेट होगा कोई बात नहीं, लेकिन साहब जो वचन दिए हैं वो उनका भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। साहब जी, अभी सभी संतों ने बहुत मार्मिक बात आप लोग के बीच में बोले हैं, हम उसको जड़ा अपना जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं इसी कड़ी में एक कड़ी जोड़ता हूँ, वो पारिवारिक, इस परिवार को कैसे और संबल मिले, कैसे ताकत मिले, सद्गुरु के विचार को कैसे आगे बढ़ाएं, इस बारे में कहूँगा कि अगर आप संध्या पाठ करके भोजन करते हैं तो वहीं से आपका मन में एक बदलाव पैदा होता है। देखो, हम लोग संध्या पाठ को भूल गए हैं, बहुत कम ऐसे परिवार हमारे भक्त लोग हैं, हमारे भक्तमती माताएं हैं जो संध्या पाठ करके भोजन करते होंगे। हमारे यहाँ पर बड़े संत सभी लोग पधारे हैं, आप देख लीजिए, सबका एक टाइम बंधा हुआ है, घंटी लगती है तो पाठ होता है, 4 बजे घंटी लगती है तो पहले स्तुति होता है, बड़े गुरु जी का वंदना करते हैं सब सामूहिक रूप से, फिर घंटी बजती है तो जलपान करते हैं, फिर घंटी बजती है तो भोजन करते हैं, फिर घंटी बजती है तो फिर बड़ा कार्यक्रम प्रवचन का होता है। ऐसे साहेब जी का दिनचर्या है पूरे आश्रम में, तो क्यों ना हम अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी तनिक भी उतारते हैं, हम अपने परिवार को बीच में एक साथ बैठ के कहीं भोजन करते हैं एक साथ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग खेती किसानी करने वाले हैं, हम खेत में जाते हैं तो खेत हमसे बात करता है, क्या बात करते हैं कि हमारे खेत में पानी नहीं है, हमारे खेत में खरपतवार ज़्यादा हो गया है, हम उनसे बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं। आप भोजन में एक साथ बिठाइए, उनकी मन को देखिए, उनके विचार को देखिए, उनके चेहरा को देखिए, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा माँ बाप को कि इस ये लड़का क्या क्या उसकी सोच है, क्या अच्छा काम करके आए हैं, क्या गलत काम करके आए हैं, आपको एकदम दर्पण के समान दिखेगा। हम तो अपने घर के बहुत बड़े घर बना लिए हैं, अनेक दरवाजा खोल दिए हैं, अनेक दरवाजा में हमारे बच्चा किस दरवाजा से घुस के आ रहे हैं ये माँ बाप को पता नहीं है, क्या स्थिति करके आ रहे हैं वो पता नहीं है, हम सो जाते हैं वो बाद में आते हैं, हम आराम कर रहे हैं वो हराम कर रहे हैं, पूरा ऐसी स्थिति आज हमारे सभी भक्तजनों के बीच में गुजर रहा है। हम बयान नहीं कर रहे हैं, हम बखान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जड़ा अंतरात्मा से सोचिए कि हम अपने परिवार को क्या दे रहे हैं, वो परिवार हमको क्या देने जा रहा है, जड़ विचार करने वाली बात है। हम लोग पूज्य गुरुदेव जी कबीर साहब को मानने वाले हैं, कबीर तो ऐसे संत हुए हैं कि जिसका बखान करना बहुत बहुत कम शब्दों में हो पाएगा बखान करना, इतना विशाल सम्राट कबीर साहब जी।
इतना दिए हैं, उसका एक पद को भी अपने जीवन में उतारे, एक पद को। साहेब जी कितने सारे पद बोल दिए हैं, अपने जीवन में एक पद को उतार के देखिए, बड़ा परिवर्तन होगा, मन में बहुत शांति मिलेगी। तो मैं निवेदन के साथ कहूंगा कि आप लोग भोजन करते समय पूरा परिवार एक साथ बैठ के भोजन कीजिए, बहुत सारी चीज आपको दिखेगा, आप उस समय पढ़ लेंगे, माता पिता का फर्ज बनता है। और खास तौर पर माताएं से मेरा निवेदन है, आप अपने बेटे का जरूर इंतजार कीजिए, अपने बेटियों का इंतजार कीजिए, और पिताजी के साथ उनको भोजन कराइए। ऐसे कम परिवार हैं, मैं गिना सकता हूँ, बड़े बड़े कबीर संत को मानने वाले हैं, बड़े बड़े सम्राट हुए हैं हमारे कबीर पंथ के संत, भक्त लोग भी बड़े प्रखर हुए हैं, ऐसे प्रखर हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं कई हमारे बुजुर्ग भक्तगण, जिसको पूरे बीजक याद है, पूरा पुस्तक याद है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन हमारा परिवार बिखरा हुआ है। हम इस अपने परिवार को इस मार्ग में कैसे लाएं, कैसे हमारे विचार को, साहेब जी के विचार को समझें और पढ़ें, इनकी जरूरत है। हम तो अपने मार्ग में हैं, हमारे बेटा कहाँ है? हम यहाँ पर आए, हमारा बेटा क्यों नहीं आया है? हमारी बेटियाँ क्यों नहीं आई हैं? वो क्यों नहीं चाहते कबीर पंथ को मानने के लिए, क्यों तैयार नहीं है? क्या हम संस्कार नहीं दे पाए? क्या हम रास्ता वो बता नहीं पा रहे हैं? हम भटकते जा रहे हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है, ये बड़ा परिवार, बड़ा संसार बिखरा हुआ संसार है, अनेक विचार मन से भटक गए हैं, ऐसे लोभ लुभावन वर्ग बात करके हमको खुद को भटकाते जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा निवेदन है, मैं सिर्फ यहाँ निवेदन करने के लिए खड़ा हूँ। और इस संस्थान में, कबीर संस्थान सकरी में, अभी साहेब जी के द्वारा, अभी हम उनकी बात को सुनेंगे, साहेब जी के, उनके द्वारा इस संस्थान में जो प्रगति हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है, और निर्माण के साथ साथ में सत्संग की गंगा बहाए जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ साहेब जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संस्थान में निश्चित रूप से हमारे भक्त लोग और आगे जुड़ते जा रहे हैं और अपने विचार को रखते जा रहे हैं। महीने में एक बार जब बैठक होती है तो हमारे भक्त लोग सभी अपना अपना विचार रखते हैं। साहेब जी लोग तो जो हमको ज्ञान दे तो रहे हैं, लेकिन मन के माध्यम से हम अपना विचार प्रकट करते हैं। कितनी खुशी होती है माइक में पकड़ करके बोलना और साहेब जी के विचार को आगे बढ़ाना। आज हमारे संस्थान में अनेक विश्राम जगह से आए हैं, देखिए करीब हजार से साहेब जी पहुंचे, इतने दूर से देवेंद्र साहेब जी पहुंचे, इतने दूर से 100 किलोमीटर यहां से पड़ता होगा, 100 से ऊपर है, कम नहीं है, यहां पर आए हैं, यहां पर 65 से आश्रम से आए हैं, यहाँ पर भैंस मुंडी से हमारे ये लखन साहेब जी अभी यहाँ पधारे हैं, वहाँ पर शोभा सरन साहेब जी के चले जाने के बाद अभी लखन साहेब जी को स्थान मिला है, वहाँ का स्थान के दो संत यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके माध्यम से संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आपके ऊपर बड़ा जिम्मेदारी यहाँ पर मिला है। ऐसे ही हमारे नया पारा से आश्रम से आए हैं, और मैं निवेदन करता हूँ कि आज जैसे हम बर्थडे में एक बच्चे के लिए बर्थडे मनाते हैं और केक काटते हैं ना, कितना उत्साह रहता है, कितना उमंग से साथ अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, आज हमारे कबीर साहब जी का प्रकट उत्सव है। हमको बहुत खुशियाँ हैं उनके विचार को थोड़ा अपने जीवन में उतारें और जीवन में उतार करके आगे बढ़ें। मैं पारिवारिक बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे परिवार के लोग, हमारे सत्संगी लोग बहुत ज़्यादा भटक गए हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो महान संत श्री अबलास साहेब जी आज अगर कोई संसार में नहीं आते, सेकंड में कबीर पंथ के सदगुरु कबीर साहेब के बाद अगर कोई बहुत बड़े संत विशाल साहेब जी, और उसी के अनुरूप श्री अबलास साहेब जी हमारे इस संसार में हमको ज्ञान देने के लिए आए। उनकी पुस्तकों को देखिए आप, उनके इतने अनेक पुस्तक लिखे हैं, अगर पुस्तक नहीं पढ़ सकते, साहेब जी के पास कैसेट है, छोटा छोटा चिप मोबाइल में लगाइए, मोबाइल में आप सुन सकते हैं, अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आधा घंटा जरूर सुनिए। जैसे अभी पाठ चल रहा था, हम सोच रहे हैं साहेब जी लोग पाठ कर रहे हैं, अंदर आते हैं तो हमको पाठ कहाँ से मिल रहा है, ये माइक में चिप लगा दिए, हमको पाठ करने को मिल गया और साथ साथ हम लोग भी पाठ करना चालू कर दिए।
तो बहुत सारी सुविधाएं आज के युग में हमको मिल चुका है, लेकिन हम लोग उस चीज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, समय बहुत कम है, कि आपके माध्यम से, इस संस्थान के माध्यम से, आप सभी संत यहाँ पर अनेक संस्थाओं से उपस्थित हुए हैं, हमारे साध्वी जी यहाँ पर आई हैं, मैं सबके लिए आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस आश्रम में आ करके कबीर साहब के विचारों के भक्तों के सामने रखे हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में थोड़ा ना थोड़ा 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 उतारिए। देखिए, आज जग गए, आज ही सवेरा है, ये मत सोचिए कि मैं पिछड़ गया हूँ, बिल्कुल नहीं पिछड़े हो, आज भी सवेरा है, आज जाग गए, आज समझ गए, आज कबीर साहब के विचारों पे चलना चालू कर दिए, तो जीवन अभी भी हमारा निश्चित रूप से कल्याण मार्ग में चलेगा। इसी बात को कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साहे बंदगी साहे। अभी हम सब हमारे परम सम्माननीय, परम आदरणीय द्वारका साहू जी के बहुत ही सार गर्भित और व्यवहारिक विचार श्रवण कर रहे थे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का सूत्र है, कोई भी प्राणी पग बिना जैसे है चल सकता नहीं, और व्यवहार के शुद्धि बिना परमार्थ बन सकता नहीं। जब तक व्यवहार में शुद्धि नहीं आएगी, परमार्थ हमारा बन नहीं सकेगा। क्यों? हमारे व्यवहार बिगड़ी घड़ी में हैं। कितने भाई ऐसे हैं जो बिना नशा के जीते हैं, पर लाखों भाई ऐसे हैं वो पैखाना में बीड़ी पीते हैं। इसलिए जीवन जब तक हमारा नहीं सुधरेगा, हमारा भक्ति भजन त्याग बैराग कुछ भी नहीं बन सकेगा। इसलिए आइए, अब हमारे बीच उपस्थित है दीपमाला एंड कंपनी कोरबा से पधारी हुई, सामूहिक रूप में एक भजन आप लोग सुनाएंगे, उसके बाद फिर और हमारे परम पूज्य श्री साहेब जी को श्रवण करेंगे। माइक वाला भैया, यहाँ दो माइक ला दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बच्चियों से ज़्यादा भजन आप लोगों के बीच में रखने के लिए प्रयास किए जा रहा हूँ। आप लोगों के, हमारे भाई साहब ने अभी कहा ना, बच्चों को कुछ सिखाओ, टीवी और मोबाइल से दूर रख करके कुछ एक घंटा आधा घंटा समय निकाल करके समसामयिक रूप से और कुछ भजन सिखाने के लिए प्रयास करो। यही प्रेरणा लेने के लिए इन बच्चियों को मैं माइक दिए जा रहा हूँ। तो आइए और सामूहिक रूप में आप लोग सब मिला करके बोलें, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। अगर आप लोग माताएं सुनना चाहते हैं तो थोड़ा तेजी से जयकारा लगाए, और नहीं सुनना चाहते हैं तो चुपचाप रहें, हम माइक भजन गाना गनवाना बंद कर देंगे। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। तब तो सुनना चाहते हैं, चलो सुनाओ। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हम सबके बीच छोटे छोटे बच्चों की एक टीम है। पहले बता दूं ये बच्चे कहाँ से हैं और क्यों आए हैं। ये बच्चे आए हैं, कुछ हैं कोरबा से और कुछ हैं बिलासपुर जिला से। बच्चे बहुत होते हैं, छुट्टियां सभी को मिलती हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ अलग हैं, क्योंकि ये अपनी छुट्टियां कुछ अलग ढंग से मनाने आए थे। विगत एक महीने से ये बच्चे आए थे हमारे आश्रम श्री कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडी में, और इतना कड़क नियम आश्रम का रहता है कि बड़े बड़े लोग उस नियम का पालन नहीं कर पाते, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल के।